हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। आप महान सर्वशक्तिमान खुदावन है प्रभु, और आज आपने हमें फजल दिया खुदावन, सप्ताह के पहले दिन प्रभु भवन में इकट्ठा होकर आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु, और आपकी तारीफ कर सकें प्रभु यीशु मसीह। इन होठों को, इन मुंह को खोल के आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु, क्योंकि आप सच्चे एक लौते वाहिद खुदावन है प्रभु। ओ खुदावन, आपसे पहले कोई नहीं था ना आपके बाद कभी कोई हो सकता प्रभु। आप प्रथम और अंतिम है खुदावन, अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत आप हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, हम आपके खून के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं प्रभु, जिनको आपने खुदावन जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम आपकी दुल्हन बन सकें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके अगाध प्रेम के लिए। ओ खुदावन यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु हमें अपने समीप आने का फजल दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप आज हमारे युग में खुदावन उतर के आए प्रभु, उस खुली किताब के साथ खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, वो पुस्तक खुदावन आपने साथ में दूत को दी प्रभु, और साथ में दूत ने खुदावन यहुन्ना यानी कि दुल्हन को दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप खुदावन एलशद्दाई के रूप में प्रकट हुए, ताकि खुदावन वो कमजोर अब्राहम जो अब्राहम था वो अब्राहम बन सके प्रभु, और आपसे स्ट्रेंथ ड्रॉ कर सके खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उन ताकतों को देने के लिए प्रभु, सिद्ध कमजोरी में सिद्ध सामर्थ बन के आ पाए प्रभु, ताकि हम आपके अंदर से नर्स कर सकें उस ताकत को प्रभु, उस नए नाम को खुदावन। ओ खुदावन, ठीक इब्राहिम के जीवन में इससे पहले कि वो 100वां साल आए प्रभु, आप उसके पास प्रकट हुए एलशद्दाई के रूप में खुदावन, क्योंकि एक समय आ पहुंचा था खुदावन कि वो वायदा किया वस बीज वो बस वंश उसके सामने आ सके प्रभु। ओ खुदावन, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ खुदावन, हम आपकी तारीफ स्तुति करते हैं खुदावन, क्योंकि ये हमारी योग्यता नहीं है प्रभु, ये आप हैं खुदावन जिन्होंने हमारे साथ इस बड़े काम को किया है प्रभु। और कैसे हम थर्सडे को देख रहे थे प्रभु, जबूर 107 में से, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपके भक्त यहां इकट्ठा है खुदावन आपकी तारीफ करने के लिए। हम खुदावन यहां पर किसी और के नाम को लेने नहीं, लेकिन आपके नाम को ले रहे हैं प्रभु। ओ खुदावन, क्योंकि आप ही इकलौते सच्चे खुदावन हैं। आप नहीं होना जगह देख, मैं मर गया था, लेकिन आप देख युगान युग जीवता हूं। ओ खुदावन यीशु मसीह, आज वो वचन जीवता है हमारे बीच में खुदावन, आज वो एनमॉर्फी होता है हमारे बीच में, वचन को लेता और बोलता है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं खुदावन। प्रभु मेरी प्रार्थना, जितने भाई बहन यहां पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु, इस ग्रुप को खुदावन बड़ी बरकत दे, और वो भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, उन्हें भी फजल दें खुदावन कि वो इस अभिषेक को अपने घर में महसूस करने पाए प्रभु। आप आए और हमसे हम कलाम हमसे बातचीत करें प्रभु। आपके सामने कुछ बीमारों को लाता हूँ खुदावन, सिस्टर अलीशा सिंह को याद करता हूँ प्रभु, भाई अरुण कुमार जो गाजियाबाद है, उनकी बेटी को जिसका हीमोग्लोबिन 5.7 आ गया प्रभु, और वो कमजोरी महसूस करती है बहन, मेरी प्रार्थना है आप संपूर्ण चंगाई दें प्रभु। मेरी प्रार्थना भाई सोलोमन के लिए भी है खुदावन, जिनके लेफ्ट एंकल में प्रभु फ्रैक्चर हुआ खुदावन, उस भाई को स्पीडी रिकवरी दे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ सिस्टर संतोष कश्यप के लिए, भाई अनुराग कश्यप की पत्नी के लिए, जिनका एक गवर्नमेंट जॉब के लिए रिटर्न एग्जाम है प्रभु, आप बहन को उत्तीर्ण करें खुदावन। भाई रमन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गाजियाबाद के हैं, जिनका आज आर्मी सर्विस के लिए कल एग्जाम है प्रभु, आप प्रभु फजल दें खुदावन कि वो इस एग्जाम में उत्तीर्ण हो सकें। सिस्टर हंसा के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शाबा डेरीज में रहती हैं खुदावन, जिनको जॉन्डिस और डेंगू और खुदावन कमजोरी पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे यहोवा राफा हैं खुदावन, आप अपना चंगाई वाला हाथ उस बहन पे रखें और संपूर्ण चंगाई दें प्रभु। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं, हमारे बीमारों को आप संपूर्ण चंगाई दें। इवन याद करता हूँ खुदावन भाई बेन रॉजर की मदर सिस्टर नोरीन को खुदावन, जिनको शाम के समय बहुत ही ठंड लग के बुखार चढ़ता है प्रभु, उस बहन को संपूर्ण चंगाई दें खुदावन। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह, हमारे बीच में आए
और आज सुबह खुदावंद भाई टाइटस के शरीर को आप माफी करें और हमसे बातचीत करें प्रभु, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं आप हमें बताएं प्रभु। हर चीज में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस तमाम वातावरण को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की तारीफ हो, आमीन, हालेलुया। गीत गाएंगे, गीत का नंबर 217, पवित्र माना जाए आपका नाम, सबसे ऊंचा होवे आपका नाम, राज्य आपका आ जाए, वचन पूरा हो जाए। पवित्र माना जा ए आपका नाम, सबसे ऊंचा होवे आपका नाम, पवित्र माना जा ए आपका नाम, सबसे ऊंचा होवे आपका नाम, राज्य आपका आ जाए, वचन पूरा हो जाए, पवित्र माना जा हे आपका नाम, हालेलुया गाया जाए, सब तैयारी किया जाए, तोड़ कर सब रस्मों को, सबका मन फेराया जाए, पवित्र माना जाए आपका नाम, तुमने हमसे प्यार किया है, पुत्र का बलिदान दिया है, आपने हमसे प्यार किया है, पुत्र का बलिदान दिया है, मेरे पापों को साफ किया, अनंत जीवन दान दिया, पवित्र माना जा हे आपका नाम, हालेलुया गाया जाए, सब तैयारी किया जाए, तोड़ कर सब रस्मों को, सब का मन फेराया जाए, पवित्र माना जाए आपका नाम, बीज मेरे मन में बोया आपकी आत्मा ही, सच है लॉर्ड, बीच मेरे मन में बोया आपकी आत्मा ही ने उगाया, साफ किए सब डालियों को, फल ने किया शीश भी दी, पवित्र माना जाए आपका नाम, हालेलुया गाया जाए, सब तैयारी किया जाए, तोड़ कर सब रस्मों को, का मन फेराया जाए, पवित्र माना जाए आपका नाम, नाम से हमको मोल लिया है, पाप से आजादी हमको दिया है, नाम से हमको मोल लिया है, पाप से आजादी हमको दिया है, आपने दिया ये आदेश, पवित्र माना हालेलुया गाया जाए, सब तैयारी किया जाए, तोड़ कर
रस्मों को सबका मन फेराया जाए, पवित्र मां जाए अकाना, सबका दिया जलता रहे, तेल दिए बेकार। Yes, my Lord. सबका दिया जलता रहे, तेल दिए में कायम रहे, सब सुनो दुलाया है, जागो उसके पीछे चलो, पवित्र माना जा। Amen, hallelujah, hallelujah, सब तैयारी किया जाए, तोड़ कर सब रस्मों को सबका मन फेराया जाए, पवित्र माना जा हे आकाना, सबसे ऊंचा हो वे आकाना, राज वचन पूरा हो जाए, पवित्र मान जाए अपना, पवित्र मान जाए अपना, पवित्र मान जाए अपना। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद करते हैं उस आगाज प्रेम के लिए जिसमें होते हुए खुदावंद ने अपने पुत्र को भेजा। मैं कहूंगा खुदावंद पुत्र बन के उतर के आए और मेरे पापों को खुदा ने धोया। उस क्रूस को आप याद रखें जहां पे प्रभु मसीह आपके लिए मसलूब हुए, ताकि आज आप इस जमीन पर अपने कदम रखने पाए। आज आप इस बात को कह सके, हाँ मैं छुड़ाया गया हूं, मुझे माफी मिल चुकी है। आमेन, आमेन। गीत का नंबर 174 गाएंगे हम। स्तुति करो, स्तुति करो यहोवा के दासों, स्तुति करो। आमेन। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो यहोवा का नाम, अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा, यहोवा का नाम, अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाएगा। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, के ऊपर महान है उनकी।
स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, हमारे खुदा यहोवा के तुल्य कौन है जो ऊंचे पर सच है, हमारे खुदा यहोवा के तुल कौन है जो ऊंचे पर विराजमान, इसलिए स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के नासो स्तुति करो, वो आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकते हैं, वो आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकते हैं, स्तुति करो, हालेलुया, You are worthy, Lord. Oh, stuti karo, stuti karo, stuti karo. Yahova ke naso, stuti karo. Wo karta Lord, daridr ko bhi kure se utha karke uncha. Oh, ye aapki shabda hai. Sach hai mere prabhu. सिद्ध निर्बलता में सिद्ध सामर्थ्य ऊंचा करते हैं, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, जिससे वो अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, जिससे वो उनको अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए, इसलिए स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के नासो स्तुति करो, यहोवा पांच को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना दे, यहोवा पांच को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना दे, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करो, हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करो, स्तुति करो, उदया चल से लेकर के आस्था चल तक यहोवा का नाम है स्तुति के योग, क्या ही प्यारा गीत, प्यारा भजन, जो कि जबूर 113 है, खुदावंद ने दाऊद की मार्फत लिखवाया और खुदावंद ने हमारे अजीज भाईलाल को भारा इस गीत को लिखने के लिए, क्या आपका मन खुदा का धन्यवाद करने के लिए उमड़ता है, स्तुति करो, वो कंगाल और दरिद्र को भी कूड़े से उठा करके ऊंचा करता है, क्या हमारी हालत ऐसी नहीं थी मुसरिफ बेटे के माने, क्या हम इस सोरों की फलियां नहीं खा रहे थे,
लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने बाइबल लिखा है, एक दिन वो अपने आप में आया, और कैसे हमारे पास्टर ने इस बात को समझाया कि मलाकी 4 उसके पास गया और उसने उसको बताया, बेटा तू कहां फंसा हुआ है, तेरी क्या दशा है। खुदा का धन्यवाद करते हैं उस नबी के लिए जो खुदावन ने इस युग में हमारे लिए भेजा है। क्या आपका हृदय आनंदित है? खुदावन ने घूरे से उठा करके हमें ऊंचा किया है। हमारे खुदा यहोवा के तुल्य और कोई नहीं है, कोई और देवी देवता नहीं है। सब मर के चले गए, केवल एक कब्र आज खाली पाई जाती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की। इस बात का द्योतक प्रभु आज हमारे बीच में यहां मौजूद है। वो आज भी बड़े बड़े कार्यों को हमारे बीच में करते हैं। मैं आप लोग से निवेदन करूंगा अपनी जगहों पर बैठे, जबकि मैं अजीज भाई प्रवीण को जो कि हिसार से आए बुलाना चाहूंगा एक गवाही के लिए। प्रभु के नाम की तारीफ हो, हालेलुया। और जबकि भाई आ रहे, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आने वाले थर्सडे फास्टिंग और प्रेयर की बारी भाई विमल लाल उनके ग्रुप की है, जो कि 16 तारीख की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यस ब्रदर, सभी को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझ पर एक फजल बख्शा कि मैं आज भी खुदा के भवन आने पाया। नहीं, आज मैं यहाँ नहीं होता, पिछले संडे मैं प्रभु के पास चला जाता। ये खुदा का अनुग्रह है ताकि खुदा ने मुझे बचाया। मैं उसका बहुत नाम मुबारक करता हूँ खुदा का। खुदा का धन्यवाद हो कि जब फास्टिंग प्रे की मीटिंग में तब मैं आया तो मैसेज भाइया, हमारे पास्टर भाई आशीष लाल ने मैसेज लिया कि जब मांगने का समय आता है तो हम मुंह खोल खोल कर खुदा से मांगते हैं, और जब देने का समय आता है तो मुंह के ताले लग जाते हैं। तो खुदा ने मेरे हृदय से बात करी, क्यों ना मैं अपनी गवाही को सबको बताऊं कि कैसे खुदा ने मुझे बचाया। क्योंकि हर एक मैसेज कहीं ना कहीं घट रहा है, और हर एक मैसेज को मैंने घटता हुआ देखा। पिछले संडे से मैसेज घटता हुआ ही आ रहा है। तो खुदा का धन्यवाद हो कि पिछले संडे जब हम जा रहे थे कि मेरा जो सिस्टर का जो परिवार है, मेरी बहन का पूरा परिवार भाई ग्लैडिन के चर्च में जाता है, कि जो खुदा ने भाई को ठहराया, बहुत बढ़िया भाई है। खुदावन भाई को खूब आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद हो कि ऐसे अच्छे अच्छे पास्टर को खुदा ने रखा। खुदा का नाम मुबारक हो। तो जब वो जा रहे थे संडे को भवन में, तो उसमें मेरी मम्मी भी थी, मैं भी चला गया, मैं भी था उस गाड़ी में। तो हम सारे जा रहे थे, 7 सीटर गाड़ी थी, हम लोग उसमें 8 लोग थे। और जब उसी दिन भाई ग्लैडविन का बर्थडे भी था, हम जिस दिन जा रहे थे संडे को, तो उस दिन हम आपस में सुबह यहाँ से हम चले गए 7 बजे 7:30 बजे। और जब हम जा रहे थे रस्ते में तो बात करते हुए जा रहे थे एक दूसरे को, आज भाई का बर्थडे तो आप क्या भजन गाओगे, आपने आप क्या लिख के आए हो, आप क्या लेके आए हो। तो मेरी बहन एक भाई से बोली, भैया आप इस तस्वीर में क्या लेके आए हो। भैया ये तो गिफ्ट है भाई के लिए, तो वहीं देख लेना, जब देंगे तो सरप्राइज है ये। तो फिर भी भैया क्या, तो गाड़ी जा रही थी हम ये सिरसा से पहले ही, फतेहाबाद से आगे सिरसा से पहले ही थे, तो वहाँ पर हम पहुँच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो भाई कह रहा था, भैया इसमें हैप्पी रैप्चर है इस तस्वीर में जो मैं भाई को देने के लिए जा रहा हूँ। तो जैसे उसने हैप्पी रैप्चर नाम लिया, एकदम से गाड़ी में बड़ी तेज धमाका हुआ और हम डर गए कि भाई क्या हुआ एकदम से, ये हमें तो पता भी नहीं, इतनी तेज धमाका हुआ। सब बैठे बस ऐसे नॉर्मल हो गए। जब साइड में एकदम से गाड़ी को, मेरे जो जिया जी थे वो गाड़ी चला रहे थे, तो जैसे उन्होंने एकदम से वो टर्न लिया, एकदम से जो गाय गाड़ी के आगे आ गई, 80-100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, जब एकदम से गाड़ी, एकदम से वो गाय उछल के गाड़ी के सामने आ पड़ी। और जब वो गाड़ी के सामने आई तो उस गाड़ी का पूरा एक साइड का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया। जब हम उतर उतर के देख रहे, भाई क्या हुआ क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं भाई क्या हुआ, कहाँ गाड़ी लग गई एकदम से। जब देखे तो गाय मरी पड़ी साइड में वो। फिर मेरे जी बोले ये तो गाय आ गई एकदम से, गाय भी अच्छी तगड़ी गाय थी वो। तो सारा शीशा टूट गया और शीशा बिल्कुल चूरा हो गया गाड़ी का, और सारी खिड़कियां मुड़ गई, अंदर ठुक गई सारी गाड़ियां, और सारी गाड़ी बिल्कुल अंदर की तरफ ठुक गई दोनों खिड़की। आगे का बोनट था जो उठाते हैं उसको,
वो भी सारा लागे की लाइट सब कुछ टूट गया उसका। जब हम गाड़ी से उतरे तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भैया आप ठीक हो, भैया आप ठीक हो, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो जब हमने एक दूसरे से पूछना किया तो खुदा का धन्यवाद किया, मैं प्रभु का नाम मुबारक हो। यहाँ तक कि मेरी मम्मी ने चश्मा लगाया हुआ था, इतने बड़ा बड़े धमाके में वो चश्मा भी नहीं गिरा, और जैसे टर्न ली तो पीछे गाड़ियां चल रही थी, खुदा का एक हाथ इस साइड में था और एक हाथ आगे था। खुदा ने दोनों हाथों से हमें बचा के रखा, वो पता ही नहीं चला कब एक्सीडेंट हुआ, और सारे के सारे सेफ निकल निकल करके आ गए गाड़ी में से। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने हमें इस रीति से बचाया। क्योंकि भाई हमारे पास्टर भाई जो भाई आशीष लाल हैं, जैसे मैसेज ले रहे थे तो हम वहाँ से, वो जब पहुँचे तो वहाँ पर गाड़ी जब देख रहे थे तो मेरे जिया जी गाड़ी लेकर के वापस आ गए, तो हम कह रहे थे भाई हम तो प्रभु के भवन जाएंगे, चलो बस में। तो दुआ करी मैंने मन में, तो इतनी देर में वो बस आ गई एकदम से ही। तो वहाँ जब बस आने से पहले जब मैंने गाड़ी से जब मैं उतरा तो वहाँ मेरे को दो विचार मिले। जैसे मैं गाड़ी की तरफ देखा, उस गाय की तरफ देखा, तो मेरे दिमाग में तुरंत दो विचार आए। जब खुदा अब्राहम के बच्चे को बचा करके मेमने की बलि दे सकता है, क्या आज खुदा हमें बचा करके क्या उस गाय की कुर्बानी नहीं दे सकता? ओ खुदा का धन्यवाद हो कि एक विचार ये आया कि हमें कभी भी, हम जब कहीं जाते हैं तो हमें नेगेटिव विचारों को नहीं सोचना चाहिए, केवल पॉजिटिव विचारों को सोचे। क्योंकि खुदावन बाइबल में कह रहे हैं जब तुम दुआ करो तो ये विश्वास करो कि प्रतीति कर लो मन के अंदर, जो तुम मांगते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो तुम वैसे वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये है कि हमें इस चीज़ को बड़े ऊँचे पर रखना, एक विश्वास को, कि ये चीज़ खुदा ने मुझे वहाँ समझाई कि हम एक पॉजिटिव विचार को वहाँ रखें। जैसे कि भाई बहनों के पास में एक अंधा आया, तो भाई बहनों ने कहा भैया आप ये विश्वास रखो कि आपकी आँखें आ गई। तो एक दिन उसकी सैलून की दुकान पर उसकी आँखें आ गई। खुदा का धन्यवाद हो, कई चीज़ों को खुदा ने दिखाया। फिर वहाँ हमने एक दूसरे के पास में, क्योंकि गाड़ी में तेल भरवा लिया, पैसे इतने ही थे, किसी भाई गूगल पे था, किसी के पास में कैश थे, सब ने आपस में वो तेल भरवा लिया था गाड़ी रुक के ये अग्रवा के पास में, तो पैसे कम पड़ गए थे सबके पास में, एक दूसरे को देने लगे। किसी भाई में पास में था, मेरे पास में कुछ पैसे थे, तो आपस में भैया आप ये किराया लो, आप इतने बस से, छः लोग हम बस से निकल गए, वो बाकी में मम्मी थी और मेरी वो सिस्टर थी, वो गाड़ी से चले गए। उनके पीछे गाड़ी हो रही, जो नई परिवार जुड़ा है वो भी पीछे गाड़ी लेके आते, उस गाड़ी में चले गए वो भी। जब आगे वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैसेज चल रहा था गिदोन के साथ युद्ध, गिदोन पे युद्ध, तो इतिहास 20 में। तो भाई गिलवाड़ी ने वहाँ पे फ़ोन किया था मेरी सिस्टर ने, भैया हमारा ये ऐसा एकदम से एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, गाय आ गई। तो भाई पास्टर ने कहा भैया कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ हूँ, मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो जब मैंने सुना तो मैंने मना किया, भैया भाई को मना कर दो, क्योंकि वो मीटिंग लेंगे, क्योंकि 11 बज गए वो मीटिंग लेंगे, वहाँ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं हम बस से आ जाएंगे, सब ठीक ठाक है। तो खुद भाई ने बोला चलो कोई बात नहीं भैया, ठीक है फिर आ जाओ, आपके लिए दुआ में रखते हैं। हम दुआ करी, बस आ गई सीधी डववाली की बस मिली, और ऐसी जगह पर हम खड़े थे कि बस नहीं रुकती, और खुदा ने वहीं रुकी और सीधी डववाली की बस मिली। सारे वहाँ चढ़ गए और प्रभु के भवन में पहुँचे, मैसेज शुरू हुआ ही था उस टाइम। भाई बता रहे थे क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। अमोनियो अबूसियो ये सारे जब यहोशापात पर वो चढ़ाई करने के लिए गए तो केवल उनका एक काम था, केवल वो खुदा का धन्यवाद करे, और खुदा ने उनके लाखों सबको मार गिराया। खुदा, क्योंकि हम आज खुदा की योजना में हैं, क्योंकि भाई पास्टर भाई आशीष लाल संडे की मीटिंग को मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि फास्टिंग की प्रेयर की मीटिंग में आए, जब मैं बस में लीड लगा के उस मैसेज को सुन रहा था, भाई बता रहे थे कि हम कैसे समय से निकल करके उस इटर्निटी में जा रहे हैं। अब हम जा नहीं रहे, हम उस इटर्निटी में हैं, और हम उस इटर्निटी में हैं तो हम बचे हुए हैं, कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि हम सब उस इटर्निटी में आ चुके हैं, क्योंकि हम ऐसा विश्वास हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम जाएंगे नहीं, हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि तभी ये संदेश आ रहे हैं, हम इटर्निटी में हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु का नाम मुबारक हो। इस रीति से खुदा ने एक नए जन्म को दिया खुदा ने, ताकि हम तीसरे खिंचाव को पूरा कर सके। खुदा की योजना पूरी हो, खुदा के विचार पूरे हों, खुदा का नाम मुबारक हो। और मैं अपने पास्टर भाई के लिए भी धन्यवाद देता हूँ खुदा का, कि इतना अच्छा पास्टर भाई रखा, मैं निहाल हो गया यहाँ करके। हर एक चीज़ जो मैंने आज तक करी अपने बगैर पास्टर भाई से पूछे नहीं करी, और मैंने उस काम में सफलता पाई हमेशा।
और हम भी कोई भी काम हो, हम पास्टर भाई, खुदा ने एक भविष्यद्वक्ता को हमारे बीच में रखा जो कि विलियम मेरियन ब्रैनम टू है, जो कि भाई आशीष लाल है। आमीन। ये एक मुकासमे के तहत है, तो खुदा का नाम मुबारक हो कि खुदा ने इतने अच्छे पास्टर भाई को हमारे बीच में रखा, ताकि टाइम टू टाइम हमें एक आगाह करते रहते हैं। और ये खुदा का धन्यवाद हो कि हर एक चीज़ खुदा ने रखी। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा का धन्यवाद हो। और आप भाई ने हमारे लिए दुआ भी करते हैं रात को 3-3 बजे 2-2 बजे उठ उठ करके, हमें पता भी नहीं होता। जैसे यीशु मसीह ने पतरस के लिए दुआ करी, और कैसे वो दुआ के बाद में कैसे उसका जीवन बदल गया, वो पवित्र आत्मा से भर करके कैसे वो कह रहा है हे साहब के बच्चों अपने आप को खुद अब दीन करो, खुदा के नाम का बत्तीसमा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए बत्तीसमा लो। तो खुदा का नाम मुबारक हो कि ये पास्टर भाई की दुआ है, आप लोगों को भी दुआ है। खुदावन आप सबको भाई बहनों को खूब आशीष और बरकत दे, क्योंकि एक दूसरों को आप दुआ में याद रखते हैं। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा का नाम मुबारक हो कि भाई निश्चल को भी खुदा ने रखा भाई की सेवा में, हमेशा बने रहते हैं। खुदा का नाम मुबारक, कहीं भी जाते हैं भाई हमेशा 24 घंटे में देखता हूँ कैसे ऐसा भाई खुदावन सबको दे। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा की तारीफ हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं आगे के फर्दर अनाउंसमेंट्स के लिए अपने अजीज पास्टर भाई को बुलाना चाहूंगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. प्रभु के नाम की तारीफ हो। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, फिर एक वर्ड ऑफ करेक्शन। मैं विलियम ब्रैनम टू नहीं हूं, भाई ने कहा भाई मैं बोला ब्रैनम टू, तो मैं ब्रैनम टू नहीं हूं। पवित्र आत्मा है जो दुल्हन के साथ चल रहा है और दुल्हन को लीड करके जा रहा है। मैं बार बार कुछ बातें कहता हूं कि अपनी अकलों को दुरुस्त करें कुछ चीज़ों को लेके। तो खुदा का खैर नाम मुबारक हो। हाँ, पवित्र आत्मा जो नबी के पास था वही आज हमारे पास है, जो लेके हमें लीड और गाइड कर रहे हैं। सो खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु की नाम की तारीफ हो। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मैंने चाहा ये ज़रूर कि जो नबी प्रभु की आवाज़ बने, मैं उनकी आवाज़ आप लोगों के लिए बनना चाहूँगा, ताकि वो संदेश और वो आत्मा जो नबी के पास थी वो आप तक पहुँचा सकूँ। सो गॉड रियली ब्लेस यू। और अभी गुजरे हफ्ते मुझे एक बात सुनने को मिली, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहा गया कि रिबका की मुलाकात इसहाक से करा दी गई, कराई गई नहीं कराई गई, रिबका की मुलाकात जब इसहाक से करा दी गई, शादी हो गई, और शादी के बाद रिबका बांझ रही काफी समय तक, बोला गया नहीं बोला गया। तो कहते हैं कि वो बांझ इसलिए रही कि वो एलियाजर की तस्वीर अपने पास रखती रही। रबिश। एलियाजर की तस्वीर, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो तस्वीरें आप लगा के रखते हो, क्या है इन तस्वीरों में, समझ में आ रही है आपके? क्योंकि वो एलियाजर की तस्वीर अपने बिस्तर के पास रखती रही, इसलिए वो बांझ रही। यानी कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने एलियाजर की तस्वीर फेंक दी, ये माने? यू सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक आत्मा है जो नबी से हटाना चाहती है और कहीं और दिखवाना चाहती है। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा प्रोग्रेसिव हैं। मैं आज से, अब तो मैं कहूंगा 2-3 साल हो गए जब मैं इस आत्मा को पकड़ चुका हूं,
और जो नहीं पकड़ा वो भाई आपकी अपनी बात है, क्योंकि हर एक को अपना जवाब देना है। लेकिन मैं इस आत्मा को पकड़ चुका, क्योंकि नबी के संदेश में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें आने वाली बातें दिखाएगा। पवित्र आत्मा जब कोई अगली बात बताएंगे उसका रेफरेंस उन बातों में होगा जो मनुष्य का पुत्र ऑलरेडी कह चुका है। इस चीज को समझें, समझ आ रही आपके? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके और मेरे समझने के लिए कि पवित्र आत्मा का रेफरेंस हमेशा उन बातों पे जाएगा जो बातें ऑलरेडी नबी बोल चुके हैं। सो आज की रिबका नबी को, बादल को और उन तस्वीरों को भूलेगी नहीं, और जब ये बादल आया ये कारण बना उसके प्रेग्नेशन का। आज की रिबका भाई ब्रैनम को भी देखती है और उनके सिर के ऊपर जो आग का सतून है उसे भी देखती है। ऐसी भटकाने वाली आत्माओं के चक्कर में आप में से कोई मत आना। समझ मारी आपके? कृपया इस भटकाने वाली आत्मा में ना आए। एक दिन आपको इस आत्मा के तहत ये महसूस होगा, ठीक है नबी आए, नबी ने प्रचार किया, अब तो मैसेज मेरे पास है, अब तो चीजें मेरे पास हैं, अब तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं संचालित हूं, तो मैं बिना किताबों के और नबी की कही बातों के अपना मैसेज प्रचार कर सकता हूं। जहां आप यहां पहुंचे आप गए। समझ मारी है? आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ मारी है? और थैंक गॉड कि हमारे भाई बच गए, लेकिन आप नहीं बचोगे। आपकी समझ मारी है? सो आइए इन बातों को हम जरा ध्यान से समझें। खुदावन के वचन के अनुसार हमें वचन क्या कहता है उसे समझना बहुत जरूरी है। समझ मारी है? आज से 2-3 साल पहले से जब ये लॉकडाउन पड़ा, मैं कहूँगा इस लॉकडाउन ने कई हकीकतें खोलना शुरू करी अब आत्माओं की। जब से लॉकडाउन आया तब से मैंने देखा है पटरियां बदलते हुए जी। और मैं अब ये कहूँगा कि अपने आप को नबी के संदेश पे केंद्रित रखें, जो यहां प्रचारा मैसेज है उस पे केंद्रित रखें, संदेश पे। संदेश सुने और संदेश आप जब भी सुनेंगे आपकी गवाही होगी कि वो संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप वापस नबी के मैसेज में जाएं। मैं सोचता हूं आप में से हर एक की गवाही होगी। तो आप जाएं और नबी के मैसेजेस खोलें। मैंने कहीं और सुना कि एक पांव समुंदर पे, एक पांव पृथ्वी पे, और उसके दोनों पांव आग के खंभे जैसे थे। हाँ, मैंने प्रचार किया। तो यहां का फिर एक लेवल यहां पहुंचा, एक खंबा नबी, एक खंबा भाई आशीष। सुन रहे आप? किसी ने आमीन भी बोल दी यहां पे। प्यारे भाई बहन, आप लोग शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि एक मूर्ति पूजक देश से हम निकल के आए हैं, तो वो आत्मा मूर्ति पूजा की कई बार निकलती नहीं। और आपको याद है वो मैसेज जो ट्यूसडे को मैंने रखा नहुष्तान पे, सुना था आपने कि हमें किसी खुदा की देन को आइडोलाइज नहीं करना। ब्रदर, मैंने नबी का कोट पाया, मैं फिरोजपुर से लौट रहा था, ट्रेन में मैंने वो कोट देखा, मैं बहुत खुश हुआ। पिलर ऑफ फायर की तस्वीर को लेके भाई ब्रनम ने अपने चर्च में आके बोला कि हम खुदा का धन्यवाद करता हूं, मैं नबी ने कहा कि आपने ये पिलर ऑफ फायर, ये अपनी रोशनी हम सब के लिए भेजी। मुझे कोट मिला। अब वो ट्रेन में थे तो वो खिलाने कर दिया, मैं आपको कोट दिखाऊंगा। नबी ने बोला कि आग का खंभा मेरे लिए और हम सब के लिए आया। समझ में आई आपके? तो मैं कहूंगा वही आग का सतून जो आज आया वो हम सब के लिए आया।
जिससे कि आप सबका लाभ हो, बैलेंस है। एक आत्मा वो है जो गिफ्ट को बिल्कुल रद्द कर देता है, वो गिफ्ट को कुछ समझता ही नहीं। वहां पर हमें समझना है रेस्पेक्ट का मैसेज, कि कैसे खुदावन के वरदानों की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा, रेस्पेक्ट करें, पूजा ना करें। हम इन तस्वीरों की पूजा नहीं करते, समझ मारी है? ये तस्वीरें क्यों रखी है? कोई नया आएगा क्या समझेगा? अरे नया जाए भाड़ में, मुझे नए से क्या मतलब? मुझे तो उल्टा मौका मिलेगा कि नया मुझसे पूछेगा तो मैं समझाऊंगा। आप कहेंगे आज कौन ये जो इस पापी और व्यभिचारी जाति से मैं मुझसे आज जो आया इस बादल में और इन तस्वीरों से लजाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब आएगा तो वो तुमसे लजाएगा, याद रखना। मत लटकाओ ये तस्वीरें, तस्वीरें नहीं लटकाते, झंडा लटकाते हैं भारत का। मैं मना नहीं कर रहा कि आप भारत का झंडा ना लटकाएं, मैं कहता हूं 10-10 लटकाएं भाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो खुदावन ने प्रेरणा इस युग में भेजी, जो कि खुदा ने विंडिकेट करी, और उसकी कुछ तस्वीरें अगर आज हैं स्मारक के रूप में, मैं कहूंगा स्मारक के रूप में। आपने नबी का मैसेज पढ़ा होगा, खुदा के द्वारा समय से पुष्टिकृत स्मारक। स्मारक पढ़ा आपने? कितनों ने पढ़ा वो मैसेज? टाइम टेस्टेड मेमोरियल्स, उसकी हिंदी बन गई भैया, क्या नाम है हिंदी में उसका? समय से पुष्टिकृत स्मारक, कुछ ऐसा ही होगा। हिंदी में नहीं है, चलिए हिंदी में नहीं है, तभी कई हाथ मैंने देखा नहीं उठे। लेकिन नबी ने बोला खुदावन ने हमेशा स्मारक रखे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं तस्वीरें मत लटकाओ, फिर खुदावन ने क्यों यहोशू से कहा कि इन 12 पत्थरों को निकाल के यहां रख, कि आने वाली पीढ़ी याद रखे इस घटना को जो तुम्हारे बीच में हुई? फिर वो 12 पत्थर गिलगाल में क्यों रखे गए? वही खुदा जिसने कहा किसी की मूर्ति मत बना, उसने फिर करूब क्यों बनवाए? क्या कुछ स्मारक हैं? स्मारक ही नहीं प्यारे भाई, ये आपकी पहचान है, ये तस्वीरें आपकी पहचान है, ये आपको बाकियों से अलग करती है कि आप एंड टाइम मैसेज के हैं। इस बकवास में, मैं इंग्लिश में कहूंगा रबिश में ना पड़े कि रिबका तस्वीरें रखी रही इसलिए बांझ रही। माय गॉड, रिबका एलियाजर की तस्वीरें रखी रही इसलिए वो बांझ रही। भैया तस्वीर रख रख के कई पैदे कर चुके और समय का वचन भी पैदा करके आगे निकल रहे हैं कई और चीजों में, कहां फंसे हो? समझ मा रही आपके? मैं इस आत्मा को 3 साल पहले पकड़ चुका हूं, आप नहीं पकड़े भैया, तो ये एक चीज का ध्यान रखना। नबी ने मैसेज में कहा खुदावन तुम्हारा न्याय उस आत्मा के अनुसार करेगा जिसके द्वारा तुम संचालित हो, तो ये ध्यान रखना। क्या कर रहे हैं तस्वीरों को रख के यहां पे? और कोई नया आएगा क्या सोचेगा? यीशु मसीह की तस्वीर लटका लो, कोई बात नहीं, ताकि बता भैया आप क्रिश्चियन हो और ये बाकी तस्वीरें। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं भाई विलियम ब्रैनम, मलाकी 4 Amen.
की इंपॉर्टेंस और उस संदेश की इंपॉर्टेंस कभी नीचे नहीं हो सकती। समझ में आ रही है? इसलिए मैं इन बातों को बोलता हूं। इन चीजों को अगर हम सही खाने में रखेंगे तो समझेंगे, सही खाने में नहीं रखेंगे तो नहीं समझेंगे। खुदा का नाम मुबारक हो। खुदा भाई को बहुत बरकत दे जिन्होंने गवाही दी। भाई ने मुझे तस्वीर भी दिखाई, लगभग गाड़ी की तस्वीर वैसी जैसे भाई ब्रनम की गाड़ी की तस्वीर आपने देखी होगी, कार एक्सीडेंट वाली। बहुत बुरा हाल हुआ लेकिन खुदावन ने बचाया। प्रभु का नाम मुबारक हो। प्रभु के नाम की तारीफ करो। जब भी मौका मिले मुंह खोलें और किसी नए के सामने गुणानुवाद करें, खुदावन के नाम का बखान करें। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये प्रॉब्लम हुई थंडर डॉक्ट्रिन वालों के साथ, मुझे मालूम है ये एक आत्मा है। जब कभी एक ऐसी आत्मा आती है वो अपने आप को कुछ बनाने लगती है। समझ में आ रही है? एंड फाइनली लोग एक दूसरे को कुछ उपाधियां देना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है? और जब एक दूसरे को उपाधियां देना शुरू कर देते हैं फाइनली वो एक सिस्टम में बंध जाते हैं जो वचन से उन्हें कहीं और ले जाता है। मेरी दुआ है कि काश ऐसी रबिश, मैं इसको बोलूंगा रबिश, समझ में आ रही है, ऐसी रबिश के चक्कर में आप ना आए। समझ में आ रही है आपके? शायद आप लोग मैसेज पढ़ें, मैं विश्वास करता हूं पढ़ते ही हैं। मैं अपने आप को काफी शराफत में डाल रहा हूं क्योंकि अंदर मैं कभी कभी बहुत खोल जाता हूं। मैं अपने आप को, अपनी जुबान को कंट्रोल कर रहा हूं क्योंकि अभी एक मैसेज आने वाला है, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करके ये बोल रहा हूं। मैसेज पढ़ें जो शायद आपने पढ़ा नहीं, आपके पास ये रेवलेशन नहीं आया अब तक कि हर चेले ने उस बात का फर्दरमेंट पाया जो मनुष्य के पुत्र ने बोला था। उन्होंने अपनी पत्रियां लिखी लेकिन उन पत्रियों के आधार पे पौलुस क्या कह रहे हैं, मैं अपने नहीं वरन उस विश्वास के आधार पे जीता हूं जो मसीह का है। समझ में आ रही है? कौन सा मसीह अगर मैं आज की तारीख में लेके चलूं, जो अभी आया थे उन्हें मैं रोज स्मरण करता हूं। यार कर ये नहीं कि मैं रोज भाई ब्रनम को याद करता हूं, मैं उस पवित्र आत्मा के काम को जो नबी में हुआ, संदेशों में दिया गया, मैं तो याद करूंगा। मैंने तो अब तक एक लगाई, अब मैं दो दो लगाऊंगा। समझ में आ रही है? मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं और ना मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं इन तस्वीरों की। समझ में आ रही है? ये मेरा नहुष्तान नहीं, ना मैं इनके सामने झुकता हूं, ना इनके सामने अगरबत्ती जलाता हूं और ना मैं इनके सामने झुक के दुआ करता हूं, नहीं। लेकिन एक दूसरी तरफ ये मेरा स्मारक है जो मेरी पहचान है कि मैं हूं कौन। आज के युग में मेरी पहचान इस बादल के कारण ही बनी। समझ में आई आपके पास? जिन्होंने बादल की कीमत नहीं समझी, समझ में आई आपके, और जिन्होंने बादल की तस्वीर को एक हॉलो समझा, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, तैयार हो जाओ। कुछ दिन बचे हैं और अब वैसे कहा कि रिजल्ट आने वाला है, आप भी देखो क्या होता है। समझ में आ रही है आपके? और यही आत्माएं हैं जो कि संदेश से हटाती हैं और एक दूसरी दिशा पकड़वाती हैं। तब आप कुछ औरों को देखना शुरू कर देते हैं, ये भी हैं, नबी तो हैं लेकिन नबी के अलावा ये भी हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। ये दुल्हन नहीं बहकाई जाएगी और इसकी प्रेरणा और वो तमाम बातें जो आने वाली हैं, थैंक गॉड कि ये बात आई तो मैंने बात बोली, लेकिन इन्हीं बातों पे खुदा ने चाहा शाम को मैं कुछ रखना चाहता हूं। मौका आएगा, अभी हमारे पास टाइम है कि हम भाई
कि द्वारा जो भाई ने प्रेरणा पाई वो मैसेज सुने। एक चीज का ध्यान रखना कि इन चीजों को हल्के में मत लेना, ये हल्की बातें नहीं है। मैं देखता हूं कईयों की अकलें फिर रही हैं और जा रही हैं, समझ मारी आपके, और फिरने के कारण आज संदेश की मेन लाइन से वो भटक के कुछ और दिशा पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, समझ मारी आपके। मेरी दुआ है कि प्रभु आपको बचाएं, आप इस भटकाने वाली आत्मा के चक्कर में ना आएं। प्लीज, खुदावन का नाम मुबारक हो। अपने घर में रोज टेप बजाएं, रोज नबी की किताब खोलें, रोज मैसेज पढ़ें। मैं भाई ब्रैनम टू तो नहीं हूं, लेकिन हां यह मेरी कोशिश जरूर है कि भाई ब्रैनम ने जो प्रचारा उसकी मैं आवाज आप लोगों तक बन सकूं, यह बात पक्की है। इसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, इसके लिए जो उसने जो बोलना वो बोलता रहे। तो खुदा का नाम खैर मुबारक हो। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसको आप ध्यान से सुने। अगली प्रचारकों की सभा, ये हमारे जो प्रचारक भाई लोग हैं जो यहां बैठते हैं, 3 अप्रैल को शाम 7 बजे होना संपन्न पाई है। और ये इसलिए भी है कि वो कैंडिडेट्स जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मैं अभी उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा, उनके नाम फाइनलाइज किए जा सकें। और वो भाई लोग जो लीडरशिप सेमिनार में आते हैं और उनका नाम भी फाइनलाइज करा जा सके, और जो बाहर काम चल रहा है उस विषय में भी हम कुछ बातें करें। तो ध्यान रखें 3 अप्रैल 2023 शाम 7 बजे प्रचारकों की मीटिंग होगी। आप प्रचारकों के लिए अनाउंसमेंट है इस मीटिंग के लिए, उनकी सेवा में देने के लिए, ताकि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। शाम 4 बजे भाई इमैनुअल राज, भाई पीटर मसीह अलीगांव, भाई सरवन पाल और भाई सुरेश पाल IIT के यहाँ पर हाजिर हों। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, 7, 8 और 9 अप्रैल जो कि गुड फ्राइडे सैटरडे ईस्टर का संडे है, प्रभु ने चाह हम अपनी 3 दिन की सभाओं को करेंगे। भाई बहन बच्चों समेत जो आना चाहते हैं इन मीटिंग्स के लिए, अपना नाम भाई विमल को दें और भाई मर्विन एंडरसन को, और ये नाम 26 मार्च 2023 से पहले पहले इनको मिल जाना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, पूरा परिवार बच्चों समेत इनवाइटेड है, लेकिन जो आना चाहते हैं इन सभाओं में वो अपना नाम भाई विमल और भाई मर्विन एंडरसन को संडे 26 मार्च 2023 से पहले पहले अपने नाम इनको दे दें। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें, ताकि उसी हिसाब से खाने पीने का इंतजाम करें। ये देखा गया पहले कि कुछ लोग नाम नहीं देते, बाद में आ जाते हैं, और अगर आपको फिर लगे कि आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपको कहना चाहूँगा हम बदतमीजी करना नहीं चाहते, लेकिन हमें ना उकसाएं। पहले से अनाउंसमेंट इसीलिए किया जाता है कि उस हिसाब से खाने पीने का इंतज़ाम होता है। तो आप सबके लिए जो सुन भी रहे हैं नेट के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ सारे ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, और मैं चाहूँगा कि ब्रदर राजीव इसको प्रेयर ग्रुप में या जो भी ग्रुप्स हैं अपने चर्च के उसमें भी डाल दें, ताकि कोई ये ना कहे भाई बता मेरे पास ये न्यूज़ पहुंची नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्च से संबंधित है, ताकि सारे नाम 26 मार्च से पहले पहले मिल जाएं। नाम देने हैं ब्रदर विमल एंड ब्रदर मर्विन एंडरसन को 26 मार्च से पहले। इसके अलावा अब हमारे बपतिस्मे होंगे, जिसकी सभा हम 15 अप्रैल को रखेंगे शाम 4 बजे यहीं चर्च में। और जो कैंडिडेट्स बपतिस्मा लेना चाहते हैं कृपया अपने नाम दे दें भाई टाइटस को संडे 26 मार्च से पहले पहले। मैं रिपीट करता हूं, संडे 26 मार्च से पहले पहले वो अपने नाम भाई टाइटस को दे दें। बपतिस्मे 15 अप्रैल शाम 4 बजे यहीं चर्च में बैप्टिज्मल पूल में होंगे। जो लोग दूसरे रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, मैं आप सेवकों के लिए बात करूं क्योंकि आप लोग कैंडिडेट्स लाते हैं और आप लोग जो प्रचार करके गए हैं और उन्होंने बताया किसी को, जो दूसरे रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं कृपया उनके एफिडेविट्स ड्यूली साइंड हों एरिया के मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो
सबमिट होना चाहिए भाई टाइटस और भाई राजीव चंद्रा को संडे 26 मार्च से पहले पहले. गॉड ब्लेस यू. एफिडेविट्स जो दूसरे रिलीजियस बैकग्राउंड्स के हैं आप जानते हैं, उसके बिना फिर हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते नहीं, ताकि वो यहां पे आ सकें. इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है कि हमारा 31वां लीडरशिप सेमिनार 25, 26, 27 अप्रैल जो कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का दिन है होगा. उम्मीद करी जाती है कि बहुत बड़ी संख्या में पास्टर्स और लीडर्स इस सेमिनार को आके अटेंड करेंगे. इसलिए जो भाई बहन अपने घर को प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आप लोगों को रुका सकें, प्लीज़ अपना नाम भाई टाइटस को दें. दूसरे लोग जो पैसे से मदद करना चाहते हैं इस सेमिनार के लिए, आप लोग भाई टाइटस और भाई राजीव चंद्रा को कॉन्टैक्ट करें. और ये भी संडे 26 मार्च से पहले पहले है. आप समझ चुके. गॉड विल ब्लेस यू. ये चर्च का अनाउंसमेंट है. प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत और आशीष दें. हमारे मौका होगा कि हम आगे बढ़ें और आज मैसेज को सुने जो प्रभु हमारे भाई के द्वारा बोलना चाहते हैं. क्या सब बोलेंगे हालेलुया, आमीन. प्रभु का नाम मुबारक हो. जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय. गॉड ब्लेस यू. प्रभु का नाम मुबारक हो. आइए हम लोग सब खड़े हों, तैयार हों कि हम संदेश को भाई टाइटस की मार्फत सुने और खुदा रहम करे कि हम प्रभु की आवाज सुनने पाए. ओ रिबेली, ओ रिबेली, एंड ओ things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Brother Titus, my Jesus is यीशु मसीह. आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. कितना अच्छा होता है प्रभु जी जब हम आपके भवन में आते हैं प्रभु जी. आपकी मीठी और धीमी आवाज़ हम सुनते हैं प्रभु जी. आपकी वर्शिप करते हैं प्रभु जी. आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी. आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. सच है प्रभु जी, हर एक को ये फजल नहीं होता प्रभु जी, लेकिन आपने अपने बच्चों को प्रभु जी अनुग्रह किया है प्रभु जी कि आपके भवन में उपस्थित हो सकें. और आपके बच्चे जो प्रभु जी किन्हीं कारणवशों से इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते हैं, नेट के ऊपर सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.
ओ खुदा बाप आप आए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें प्रभु जी। ओ खुदा बाप सच है प्रभु जी, बहुत जोरों से प्रभु जी पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है उनका आना, आपका आना बहुत नज़दीक है प्रभु जी। आप कभी भी प्रकट हो सकते हैं प्रभु जी, कभी भी आप अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर के जा सकते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शते हैं प्रभु जी। हम सोते हुए ना पाए जाएं प्रभु जी, बलन हमारी मसालें जलती रहें प्रभु जी, एक्स्ट्रा ऑयल के साथ प्रभु जी हम पाए जाएं प्रभु जी, जागृत पाए जाएं प्रभु जी। ओ खुदा बाप हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारे पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। आपने हमारे बीच में एक सेवकाई को रखा है प्रभु, जिसके जरिए से हम आशीषित होते हैं प्रभु, जिनके जरिए से ओ खुदा बाप उन मैसेजेस को प्रभु जी जो प्रॉफिट ने हमारे युग में लेकर के आए प्रभु जी, भाई के जरिए से प्रभु जी हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई को, बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें, जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं उन्हें भी बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। ओ खुदा बाप जब हम आपके भवन से रात में जाएं वापस अपने अपने घरों की ओर, हम कहने पाएं भला हुआ आज हम यहोवा के भवन गए, भला हुआ आज हमने यहोवा का मैसेज सुना, भला हुआ आज हम नेट के ऊपर बने रहे, भला हुआ दिन भर आज हमने अपने खुदा के साथ मुलाकात करी। ओ खुदा बाप और आनंदित होकर के प्रभु जी अपने अपने घरों को यहाँ से जाने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमेन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पहली आयत से 11 आयत तक। एंड व्हेन दे ड्रू नाई अनटू जेरूसलम एंड वेर कम टू बेथफगे अनटू द माउंट ऑफ ऑलिव्स देन सेंट जीसस टू डिसिपल्स सेइंग अनटू देम गो इनटू द विलेज ओवर अगेंस्ट यू एंड स्ट्रेटवे यू शैल फाइंड एन एस टाइड एंड ए कोल्ट विथ हर लूज देम एंड ब्रिंग देम अनटू मी एंड इफ एनी मैन से ऑट अनटू यू यू शैल से द लॉर्ड हैथ नीड ऑफ देम and straightway he will send them. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet saying, tell ye the daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee meek and sitting upon an ass and a colt the foal of an ass. And the disciples went and did as Jesus commanded them and brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Amen. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Amen. Hosanna in the highest. Amen. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? And the multitude said, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. प्रभु जी आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में उतर चुके हैं प्रभु जी, आप आ चुके हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी बहुत तेरे ऐसे हैं प्रभु जी वो सवाल पूछते हैं, हु इज दिस प्रभु। वो नहीं जानते, वो नहीं समझते कि आप स्वयं उतर करके इस पृथ्वी पर आ गए हैं प्रभु जी, और आज अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के चले जाएं प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, ये आशीषित हैं प्रभु जी, इन्हें हमारे लिए भी आशीषित करें, अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलें और हमसे बातचीत करें। धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमेन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं, मेहरबानी से इसको हिंदी में भी पढ़ दीजिए भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, सय्योन की बेटी से कहो
देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्क्रिप्चर्स को हम जानते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं होता। प्रभु का वचन हमेशा नया होता है, नया रहता है। हर बार प्रभु कुछ ना कुछ हमसे बातचीत करते हैं। हम कोई नया मैसेज लेकर के नहीं आते, लेकिन जो प्रॉफिट ने प्रीच किया। हमारा आधार, हमारा ये फाउंडेशन, मैं कहूँ हमारा सब कुछ प्रॉफिट है। प्रॉफिट को लेकर के साथ साथ चलेंगे और जो प्रॉफिट ने कहा उसको मानेंगे और उसके साथ साथ चलेंगे, उतना ही कहेंगे जो प्रॉफिट ने कहा। उससे आगे अपनी अक्ल नहीं लड़ाएंगे, अपनी बुद्धि नहीं लड़ाएंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। जहाँ हमने अपने मनुष्य की बुद्धि लगाई, अरे ये तो ऐसा है वैसा ऐसा है, जैसे भैया कह रहे थे, मैसेज तो पढ़ते हैं प्रॉफिट का और अपनी बातें लगा के प्रचार करने लग जाते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट ने कहा उसको नहीं मानते, उसको नहीं सुनते, अपना मैसेज बना के प्रचार कर देते हैं, तो खैर उनको उनका फल उनको मिलेगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारे युग में एक प्रॉफिट को भेजा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रॉफिट चले गए 1965 में, लेकिन उनके मैसेज आज भी हमारे पास हैं, आज भी ये मैसेज हैं, और हमसे ये बात करते हैं। हर मैसेज प्रॉफिट का आप पढ़िए, हर बात कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना सीखते चले जाते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर भाई के लिए। भाई हमेशा एनकरेज करते हैं, मैसेजेस को पढ़ो, हमेशा एनकरेज करते हैं। प्रॉफिट का टेप घर में लगाइए, प्रॉफिट की आवाज़ घर में गूंजने दीजिए, मैसेजेस को रोज पढ़िए, सेवन सील को पढ़िए, क्योंकि छुटकारा हमें मिलेगा तो इन्हीं मैसेजेस के द्वारा, प्रभु का वचन। क्योंकि आप कहोगे अरे आप बाइबिल को नीचा कर, बाइबिल को नीचा नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉफिट ने कहा मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया, और जो वचन के अंदर लिखा है प्रॉफिट ने वही तो प्रचार किया। तो वचन वचन है और प्रॉफिट का वचन मैसेज एक मैसेज है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यीशु मसीह एंट्री ले रहे हैं, यरूशलेम में उतर रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कौन सा मैसेज है ये। ये मैसेज भाई ब्रैनन ने प्रचार किया, उसका नाम है हु इज दिस, ये कौन है, ये कौन है। कोई कुछ कहता, कोई कहता फ्यूल का वो फ्यूल का वो है, जेट का फ्यूल, जेट के फ्यूल है, ये है वो है। कोई कहता इनकी मैसेज बिलीवर ही तक नहीं मानते हु इज दिस, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं और आप जानते हैं हु इज दिस। उस समय भी यही बात थी, उस समय भी यही सवाल था। फकीह फरीसी, आलिम फालिम, धर्म के ठेकेदार, वचन को जानने वाले, भविष्यवाणियों को सबको पढ़ने वाले, रोज हैकल में हर शब्द के दिन यही वचन पढ़ते होंगे, देखो वो आने वाले हैं, देखो, क्योंकि हर रास्ता देख रहे थे। लेकिन जब मसीह आ गए उन्होंने उसे नहीं पहचाना। आज सारा क्रिश्चियन डम वेट कर रहा है रैप्चर का, जब मसीह आ गए रैप्चर में ले जाने के लिए तो उन्हें नहीं पहचान रहे। वही हाल जो उस समय था वही हाल आज भी है। भाई बहनों मैसेज को प्रचार हु इज दिस, ये उन्होंने प्रचार किया था संडे इवनिंग May 10th, 1959। मैसेज मैंने कहा पुराना नहीं होता, आज भी ये मैसेज हमसे बातचीत करता है, हमसे
बोलता है उस समय हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह उतरे उस समय कौन सा फीस चल रही थी, फसह का पर्व चल रहा था और पास्कल लैम बली करने के लिए, बलि करने के लिए सारा इज़राइल यरूशलेम में इकट्ठा हुआ था। एक फसह था, इम्पोर्टेंट फसह था उनके लिए, क्योंकि यीशु मसीह खुदा ने उन्हें आज्ञा दी थी सात फीस मानने की, उनमें सबसे पहला फीस तो फसह का पर भी था जो निशान महीने में अर्थात साल के पहले महीने में अर्थात अप्रैल के महीने में मनाया जाता था। दसवें दिन को मेमना लेना, चौदहवें दिन को गोधूली के समय उसे बलि करना। सारे के सारे लोग यरूशलेम आते थे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। एक समय था जब वो गुलामी की हालत में थे, मूसा के द्वारा खुदा ने उन्हें छुड़ाया और ये आज्ञा दी थी, सारा यरूशलेम वहाँ पर इकट्ठा था। यीशु मसीह भी यरूशलेम में आखिरी बार इस तरीके से प्रवेश करने जा रहे थे और हम जानते हैं, हमने पढ़ा देखा, उन्होंने एक गधी के बच्चे को, बस जकरिया 9:9 की आयत को पूरा कर रहे थे, गधी के बच्चे के ऊपर बैठे हुए यीशु मसीह यरूशलेम में उतर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे होसन्ना दाऊद की संतान, एक एटमॉस्फेयर, चार्ज एटमॉस्फेयर था कि हो सकता है राज खुदा का प्रभु यीशु मसीह का आ जाए। सारे सारे वही चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दाऊद धन्य है वो जो खुदा के नाम से आता है, होसन्ना टू द सन ऑफ डेविड, दाऊद के पुत्र होसन्ना वगैरह वगैरह चिल्लाए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक एयर ऐसी चल रही थी, सरचार्ज ऐसी चल रही थी, बहुत जल्दी राज फिरने वाला है, बहुत जल्दी ये राजा बनने वाला, जो लोग उनके साथ थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या यही बात हमें प्रेरित काम पहले अध्याय में नहीं मिलती? पढ़ें भैया, पहले आज से पढ़ लो उसका कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब तक वो प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। आगे पढ़ें। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा। और जानते हैं 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह समय समय पर चेलों को दिखाई देते रहे। कई बार तो वो डर जाते थे कौन है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया। आखिरी बार उनकी मुलाकात हो रही है यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय के 22 के अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। कैसे वो मछली पकड़ रहे हैं, यीशु मसीह वहाँ पर चले आ रहे हैं, कह रहे हैं बालको कुछ खाने को है वगैरह, हम सब जानते हैं। और उसके बाद चेले आए किनारे, वहाँ पर यीशु मसीह ने ऑलरेडी फिश रखी थी, रोटी का टुकड़ा रखा था, वो खा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं यीशु मसीह है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा उनसे, लिखा वहाँ पर वो जानते हैं लेकिन कोई नहीं पूछ रहा कि आप कौन हो, आप कैसे हो, क्योंकि वो जान गए थे हमारा प्रभु यीशु है। अब यहाँ पर यीशु मसीह रैप्चर में जाने वाले हैं, बंधुआई को बांध करके लेकर के जाने वाले हैं, उनके चेले 11 चेले यीशु मसीह के साथ साथ जा रहे हैं। देखिए आगे पढ़े भैया क्या हुआ। और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और खुदा के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों में के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। की प्रॉमिस यीशु मसीह करके जा रहे हैं चेलों को, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक प्रॉमिस ना प्राप्त करो बहुत जरूरी है। जब हम बाहर निकल करके जा रहे हैं वचन प्रचार करने, भाई ब्रैनम ने इस बात को कहा, जलती झाड़ी के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। भाई आशीष भी बार बार कहते हैं, कहते टेबल के समय भाई कहते हैं, हम कह देते हैं जिनका बपतिस्मा हुआ पार्ट ले लो, लेकिन मेन चीज़ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब तक प्राप्त ना करें कोई हकदार नहीं होता टेबल में पार्ट लेने का, लेकिन बपतिस्मा पानी का लेने के बाद, क्योंकि कोई जानता नहीं, हम नहीं जानते, पास्टर भाई नहीं जानते किसको बपतिस्मा मिला या ना मिला, हर एक को अपने अपने
जीवन को परखना है। यदि तुम अपने आप को जानते जांचते तो डंड नहीं पाते। आगे पढ़े भैया, यीशु मसीह कह रहे हैं यहीं रहना, कहीं नहीं जाना जब तक पवित्र आत्मा का दान तुम्हें ना मिल जाए, जब तक पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा ना मिल जाए। आगे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? क्या प्रभु, आपको हमने, आप आए थे, आप यरूशलेम में उतरे, ये फकी फरीसियों ने आपको जान से मार दिया, हाँ सब कुछ सही है, हाँ, लेकिन क्या आप राज को, यरूशलेम को, राज को आप फेर देंगे? यीशु मसीह जाने वाले हैं, स्वर्गारोहण होने वाला है, लेकिन चेले एक्सपेक्टेशन में है। ये उस समय ये एक्सपेक्टेशन वहाँ पे पूरा लोगों का था कि राज फिरने वाला है। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, क्या आप राज को फेर देंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ, आगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह होगे। आगे पढ़े भैया। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। देखते देखते उनके ऊपर यीशु मसीह चले गए और एक बादल आया, एक बादल आया, बादल ने प्रभु यीशु मसीह को छुपा लिया और बादल में होते हुए प्रभु यीशु मसीह ऊपर चले गए। ये अचंभे से देख रहे थे। देख, आगे पढ़े भैया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। ये यीशु जिसे तुम बादल में जाते हुए देख रहे हो उसी रीति से फिर आएगा और हमारे युग में उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर आ गया। अब ये डाउट क्यों होना चाहिए लोगों के मन में? ये वचन पूरा हो रहा है, हा? ये प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय का 10वीं आयत में ये वचन, 10वीं 11वीं आयत में ये वचन पूरा है, हो रहा है। आज डाउट कहाँ रह गया? हु इज ही? ही इज सेम जीसस जो इस पृथ्वी के ऊपर आए, जिन्होंने मेरे और आपके लिए अपना लहू दिया, अपना बलिदान चढ़ाया, जो जीवित हो गए, जो उठ करके उन्होंने बंधुवाई को बांध करके ले गए, वही यीशु इसी क्लाउड में वापस आ रहे हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लूका 21:27 पढ़ लें भैया। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हाँ, तब वे मनुष्य पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ बादल में आते हुए देखेंगे। एक बादल का जिक्र हो रहा है। Who is this? ये मनुष्य का पुत्र है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ये हमारा खुदा है। वहां पे उतर रहे हैं लोग, फकी फरीसी यीशु मसीह को नहीं पहचानते। Who is this? Who is this करके कह रहे हैं। चेले जानते हैं और जो उनके साथ चले आ रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन वहाँ पर फकी फरीसी हैं जो डाउट कर रहे हैं, हु इज दिस। आज भी कई लोग डाउट करते हैं, हु इज दिस, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये हमारे खुदा हैं, ये उतर करके आ गए हैं। और इन्होंने ही प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दर्शन दिया। क्या कहते हैं देखिए, हु इज दिस, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय देखें, हम देख रहे हैं हु इज दिस। आज हमारे बीच में कौन है? हम 2000 साल पहले क्यों जाए? आज देखें, आज हमारे बीच में कौन उपस्थित है, कौन है, कौन हमारे बीच में है, जिनको लोग आज भी शक की नजरों से देखते हैं। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पास्टर भाई हमें हमेशा एनकरेज करते हैं, पास्टर भाई ने हमेशा हमें एनकरेज किया, ये कौन है, हा? हमें इनके अगेंस्ट नहीं जाना, हमें इन्हें मानना। हम मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे, ये तो हमारे खुदा है भाई, हम इनको वर्शिप भी करें तो मूर्ति पूजा नहीं है ये, ठीक है, ये पिक्चर के रूप में है, एग्रीड, लेकिन ये मूर्ति पूजा बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमारे खुदा हैं, हमारे खुदा यहाँ पे उपस्थित है। आज वो पवित्र आत्मा के रूप में है, हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन वो एक बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य में पढ़ें भैया,
पहला हम सब बैकग्राउंड जानते हैं, मैं कोई एक दो चीज़ें सिर्फ कहने के लिए पढ़वा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आठवीं आयत को पढ़े भैया, वहाँ पर यूहन्ना को दर्शन दे रहे हैं, यही क्लाउड में, यही मसीह यीशु यूहन्ना को पतमस नाम टापू के ऊपर उतर करके आ गए। बैकग्राउंड हम सब जानते हैं, और यूहन्ना को वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, यूहन्ना क्या बोल रहे हैं, आठवीं आयत, प्रभु खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आई एम अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग। ये अल्फा एंड ओमेगा है। Who is this? This is alpha and omega. ये आदि और अंत है। इससे पहले ना कोई, यशाया में लिखा हुआ 45 से, मेरे पहले ना कोई खुदा था और ना मेरे बाद कोई होगा। ये अल्फा है, ये ओमेगा है, ये आदि है और ये अंत है। मेरे और आपको समझने वाली बात है, जो नहीं जानते ना जाने। उस समय जब उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो रही थी यरूशलेम में, उस समय भी लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें सलीब की मौत दे दिए। मैं और आप इन्हें सलीबी मौत ना दें, इन्हें सलीबी मौत ना दें। ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे प्रभु हैं, ये अल्फा है, ये ओमेगा है। आगे पढ़े भैया, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु वगैरह वगैरह। पतमस नाम टापू में थे, उन्होंने एक आवाज सुनी वहां पर, बिहाइंड मी अ ग्रेट वॉइस एज ऑफ अ ट्रम्पेट। 11वीं आयत पढ़े भैया, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। हाँ। अर्थात एफेसस और स्मुर्ना वगैरह वगैरह, सातों कलीसियाओं के नाम लिखे हैं। 12वीं आयत पढ़े भैया, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीवटें देखी। जो मुझसे बोल रहा था, मैं यूहन्ना ने मन में सोचा होगा, मैं देखूं तो कौन है ये, वही सवाल, हु इज दिस जो मेरे से बोल रहा है। यूहन्ना ने सुन लिया था तो, लेकिन उसने कहा मैं देखूं तो, जो आवाज मुझसे बोल रही है मैं पलट कर देखूं तो। जैसी उन्होंने पलट करके देखा, उन्होंने वहां एक बड़ा भारी क्लाउड देखा होगा जिसके बीच में खुदा खड़ा होगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा खुदा कभी नहीं बदलता, आज व कल और युगान युग एक सा है। उनके हाथ में सात दीवट है, हम सब जानते हैं। आगे हम पढ़ें, 17वीं आयत से पढ़ें, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने जब मैंने उसे देखा उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर। क्या हम इनके सामने मुर्दा सा गिरते हैं? जब हम उन्हें देखते हैं क्या हम मुर्दा सा गिनते हैं? क्या हम सोचते, अरे वो ये तो पिक्चर है, अरे ये तो पिक्चर है, छोड़ो, ऐसा करके चले जाते हैं? या हम वाकई में थरथराते हैं, कांपते हैं, हमारे सामने हमारा प्रभु खड़ा हुआ है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। यूहन्ना ने देखा और वो मुर्दा सा उनके सामने गिर गया। आगे, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हाँ, ये प्रथम है, अंतिम है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें ढाढ़स देने वाले आए हैं। उन्होंने कहा तुम डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुमसे जो संसार में जो है मैं उससे बढ़कर हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, मत डर। मेरे भाइयों बहनों, हमें किस डर क्यों डरना है? क्या नंगाई, क्या और कुछ परेशानी, क्या कोई बीमारी, क्या पैसे की कमी, क्या हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई बात हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। कहता मत डर यूहन्ना, मैं तेरे साथ हूँ। ब्राइड मत डर, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, उसने प्रॉमिस किया है, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। मेरे भाइयों बहनों, भाई ने भी गवाही दी, कैसे हमने भी देखी, भाई की कार बिल्कुल पूरी रीति से डैमेज हो गई, लेकिन वहां एक कोई था। कौन था वहां पर? हु वॉज देयर? हमारे खुदा वहां पर थे, हमारे खुदा बचाने वाले वहां पर उपस्थित से, जो हमें बचाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कहाँ से हमारे खुदा हमारी मदद के लिए अचानक से आ जाते हैं। वही हाल है सद्रक मेशक अबदनगो, आग में डाले गए, वो तो नहीं सोच सकते थे क्या होने वाला उन्हें, हम तो तैयार हैं भैया, लेकिन वहाँ पे चौथा आ गया और उनको बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हम सकेती में पढ़ते हैं, जब मुसीबत में पढ़ते हैं, तन्हाई में पढ़ते हैं, हमारा खुदा हमारे पास उतर करके
आ जाता। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर यूहन्ना को कह रहे हैं मत डर, मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ, आगे बढ़े भैया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। ये मर गए थे एक समय, इन्होंने मेरे और आपके लिए जान दी थी, और अब ये युगानुयुग जीवित है। अब ये मरने वाले नहीं है, जिन्होंने इनको मारा 70 AD में मार करके खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये हमारे प्रभु युगानुयुग जीवित है। एक मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, इनके पास। यदि हम आपको पूछे प्रभु जी आपके पास क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो अब मृत्यु हमारा क्या कर सकती है, अधोलोक हमारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रभु आगे हमारे साथ है। मृत्यु अधोलोक की कुंजियां उनके पास है आगे। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके 18वीं आयत पढ़े भैया। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मैं मर गया था, मैं अब युगानुयुग जीवित हूँ आगे। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में अपने आप को अल्फा और ओमेगा करके ये हमारा खुदा जाहिर कर रहा है। 22 अध्याय में आ जाए, क्लोजिंग ऑफ रेवलेशन, क्लोजिंग ऑफ द बाइबल, वहाँ पर आ जाए। यही खुदा जब मूसा के पास आए, जो लीची झाड़ी में दर्शन दिया, मूसा कह रहा है मैं जाऊंगा प्रभु जी, वो मुझसे खुदा मुझसे वो पूछेंगे किसने तुझे भेजा है। मैंने कहा कह देना आई एम ने तुझे भेजा है, मैं जो हूँ तो हूँ उसने तुझे भेजा है। आज मैं जो हूँ तो हूँ, आई एम दैट आई एम, हमारा खुदा हमारा उद्धार करता, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो आदि से जो अंत है, आज वो हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वही खुदा आज हमारे पास है। कितने हम लोग ब्लेसेड हैं मेरे भाइयों बहनों, ओ कितने ब्लेसेड हैं मेरे भाइयों बहनों, वो खुदा जो उत्पत्ति से है, बनाए आलम से फिर है, और जो अंत तक रहेगा, आज वो हमारे साथ है। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया का कोई कुछ हमारा बिगाड़ सकता है? वैसे खड़ी भाषा में बोले कोई माई का लाल है जो हमारे सामने खड़ा हो सकता है? जो संसार का बनाने वाला, जगत का सृष्टि करने वाला, वो हमारे साथ है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं एनकरेज करने के लिए कह रहा हूँ, ये एनकरेज के लिए कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी सिचुएशन में भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे हम मौत की वादी से जा रहे हैं। इसलिए तो भजन 23 में दाऊद कहते हैं, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे कैसी भी बीमारी हमारे ऊपर आ जाए, चाहे हम मौत के साए से गुजरते हुए जा रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वो तो एक ब्लेसड टाइम होता है जब एक सेंट प्रभु में सोने जाने वाला होता है, एक ब्लेसड टाइम होता है। इसको पढ़ें भैया, 13वीं आयत को पढ़ें भैया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हमारा खुदा आ चुके हैं। इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए उनकी कमिंग का? हम उनकी कमिंग हो चुकी है, वो आ चुके हैं, सिर्फ हमारा यहाँ से जाना बचा हुआ है। कमिंग तो हो गई है, कमिंग हो चुकी है, लेकिन रोज ब्राइटर 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 होती चली जा रही है, और ये कमिंग पूरी उस दिन हो जाएगी तब यहाँ से दुल्हन रैप्चर में चली जाएगी। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ आगे, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रभु आखिरी पुस्तक में क्यों दोहरा रहे हैं? अश्योरेंस दे रहे हैं कि मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, और उसी के बाद ये बाइबल की पुस्तक बंद हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हु इज दिस, हमारा खुदा जो अल्फा है, जो ओमेगा है, मेरे भाइयों बहनों, जिसने मुझे और आपको सृजा, मेरे और आपका बनाने वाला सृष्टिकर्ता यहाँ पर मौजूद है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उनके विचारों में थे। जब यदि हम उनके विचारों में थे, भाई बहनों ने बताया, हम इटर्नल हैं, क्योंकि इनके विचार कभी खत्म नहीं होते, इनके विचार इटर्नल है। मेरे भाइयों बहनों,
जब इनके विचार इटर्नल है, इनके विचारों में मैं और आप थे, तो मैं और आप भी इटर्नल है, इटर्निटी इनके साथ ही गुजारेंगे। इसलिए तो फ्यूचर होम का मैसेज भी प्रचार हो रहा है, प्रभु टाइमली मैसेज लेकर के आते हैं। हर चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती है, आपने सोचना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती, हर चीज़ में खुदा का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। वो हमें बता रहे हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, प्रभु हमें बता रहे हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमारे पास सभाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। भाई बहन हम कह रहे हैं एन वहाँ पर के एक इंसान खड़ा हुआ था वहाँ पर, जिससे भाई बहन हम बात कर रहे थे, जो कि पैलेस्टीन से रिसेंटली आया था। एंड ही सेड दैट पीपल नाउ इन द लास्ट ईयर हैज बीन कमिंग टू अ प्लेस दैट व्हेन दे कम अप फ्रॉम द वैली एंड लुक अराउंड द बेंड द सेम रोड द जीसस एंड द डिसाइपल वेर ऑन एट दैट टाइम दैट व्हेन दे सी द सिटी दे स्टार्ट टू वीप। अब रो रहे हैं, अरे अब रोने से क्या फायदा होगा, उस समय रोना था लेकिन खैर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्लानिंग मेरे और आपको बचाने की थी। यदि उस समय ये लोग रो रहे थे तो हमारा और आपका क्या होता। हर एक चीज खुदा की प्लानिंग से होती है। इन्होंने उसे नहीं पहचाना, इन्होंने अपने खुदा को नहीं पहचाना क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। लेकिन हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसी समय पे एक वेश्या थी जिसने उसे पहचान लिया, जिसने उसे पहचान लिया। हम पढ़ें थोड़ा सा उसको देखेंगे। वन डे ही पास थ्रू समरिया गोइंग डाउन थ्रू देयर विथ अ बंच ऑफ जूस, कुछ जूस के साथ जा रहे थे। सुकार नाव गांव से होकर के हमारे खुदा को अवश्य जाना था, वहाँ से गए। जैसे इल फेम वुमेन कम आउट, हम सब जानते हैं कैसे वो स्त्री पानी भरने के लिए कुएं के ऊपर आई, याकूब का कुआं था, वहाँ पर वो आकर के बैठ गई। और वहाँ पर जब वो बैठ गई, वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर बैठ गए वहाँ आकर के, और उसे कहें ब्रिंग मी अ ड्रिंक। शी लुक्ड अराउंड एंड देयर सिट काइंड ऑफ ए मिडिल एजेड जू। यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे को पानी पिला। उसने देखा ये कौन है, मन में सोचा तो होगा जरूर, ये कौन है जो मुझसे पानी मांग रहा है, ये तो मुझे यहूदी लगता है, ये तो मुझे जू लगता है, और परंपरा के अनुसार जू तो सामरियों से दूर रहते हैं, और मैं वैसे ही इल्फेम वुमन हूँ, ये मुझसे क्यों पानी मांग रहा है भाई। शी सेड्स आरंट यू ए जू, यू शुडंट डू दैट, इट्स नॉट कस्टमरी फॉर यू टू टॉक टू मी, आई एम ए समैरिटन, मैं तो सामरी स्त्री हूँ, आपका मुझसे क्यों बातचीत कर रहे हैं। ही सेड बट इफ़ यू नो हु यू आर टॉकिंग टू यू वुड ब्रिंग यू वुड आस्क मी टू गिव यू अ ड्रिंक। यदि आज हम जाने आज हमारे बीच में कौन है, यदि हम उनसे पवित्र आत्मा मांगेंगे वो अवश्य पवित्र आत्मा देंगे हर चीज देने के लिए। वो यीशु मसीह कह रहे हैं तू जानती मैं कौन हूँ, और तू मुझसे पानी मांगती मैं तुझे अवश्य दूंगा। आज यदि हम जाने हम किसकी प्रेजेंस में आते हैं, आज यदि हम जाने तो जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिन्हें फिलिंग चाहिए या रीफिलिंग चाहिए, आज सोचिए हम किसकी प्रेजेंस में हैं। यदि हम उनसे यीशु मसीह कहते हैं तुम इंसान होकर के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो उससे पवित्र आत्मा मांगे उन्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे। हमारा खुदा पवित्र आत्मा देने के तैयार है। वो उस स्त्री से कह रहे हैं तू मुझसे मांगती पानी मैं तुझे पानी देता। वो उसने नहीं समझा, वेर इज योर बकेट, वेर इज योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी बकेट कहाँ है, आपकी बकेट कहाँ है, आपका रस्सी कहाँ है। वेल ही सेड द वाटर दैट आई गिव इज लाइफ, पानी जो मैं देता हूँ वो जीवन है। हमारा खुदा यहाँ पर हमें जीवन देते हैं, सुबह शाम हम बैठते हैं, ट्यूसडे बैठते हैं, थर्सडे बैठते हैं, और भी जब वचन को पढ़ते हैं इसमें से हम पानी पी रहे हैं, इसमें से हम जीवन प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जीवन हमारे खुदा के पास ही है। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ। व्हाट सी व्हाई शी सेड व्हाई यू ऑल वांट टू वर्शिप इन जेरूशलेम वगैरह। उनसे बात करने लगी वो कि भाई आप लोग कहते हो जेरूशलेम में वर्शिप करना चाहिए या पहाड़ पर वर्शिप करना चाहिए। ओ शी सेड दैट्स राइट बट वी जूज नोज व्हाट वी वर्शिप, हम जानते हैं हम किसकी वर्शिप करते हैं। बट सेड यू नो द टाइम इज कमिंग व्हेन मैन विल नॉट वर्शिप इन जेरूशलेम और इन दिस माउंटेन, एक समय आ रहा है जब लोग इस जेरूशलेम में नहीं ना इस माउंटेन में वर्शिप करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है खुदा जो आत्मा सच्चाई से खुदा की वर्शिप करें। वो इनको ढूंढता है जो
जो आत्मा से और सच्चाई से खुदा की वर्शिप करें। आज हमारी वर्शिप आदमियों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, आज हमारी प्रेयर लोगों को सुनाने के लिए नहीं होना चाहिए। वो हिपोक्रेट है, बाइबल में वही लिखा है, लोग पकी फरीसी लंबे खड़े होकर के लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। आज हमारी प्रेयर होना चाहिए आत्मा से और सच्चाई के साथ होना चाहिए, जो खुदा को पसंद योग्य। दे आर गोइंग टू वर्शिप गॉड इन द स्पिरिट बिकॉज ही इज स्पिरिट, स्पिरिट एंड ट्रूथ। वेल शी बिगन टू स्टडी यू नो एनी सेट गो गेट योर हस्बैंड, उन्होंने कहा जाइए आप, तुम जा कर के अपने पति को बुला के ले आओ। हम सब जानते हैं उसने कहा मेरा पति है नहीं। यीशु मसीह ने एकदम से वहाँ पर डिसर्मेंट हुआ और उन्होंने कहा वाई दैट्स द ट्रूथ, सेट सेट यू हैव बीन रनिंग अराउंड विथ फाइव, यहाँ पर डिसर्मेंट हो रहा है, पाँच से तू के साथ साथ तू रही है, गॉट द सिक्स्थ वन नाउ एंड सेट यू हैव हैड फाइव एंड यू नो यू हैव टोल्ड द ट्रूथ, तूने सच बोला है। वॉच वॉट वॉज इट, दैट लाइट स्ट्रक दैट सीड, इट हैड बीन लाइंग देयर, दैट वॉज स्पोक बाय गॉड, उसके अंदर एक बीज था, जब खुदा ने उससे बातचीत करी वो बीज में लाइट आ गई। आज खुदा भी जब हमसे बातचीत करता है, यदि वो बीज हमारे अंदर है वो लाइट स्ट्रक होती है, आत्मा विभोर हो जाती है और हालेलुया निकलता है और प्रेज द लॉर्ड निकलता है और खुदा की तारीफ निकलती है। जब वो लाइट हमें स्ट्रक करती है, जब वो लाइट हमारे हृदय को स्ट्राइक करती है, जब वो वचन जो पुलपिट से बोला जाता है हमारे हृदय को स्ट्राइक करता है, उसकी तारीफ निकलती है, उसकी महिमा निकलती है, उसकी स्तुति निकलती है। द सीड वॉज ऑन द अर्थ, जैसे जैसे बीज भी पृथ्वी के ऊपर था, जब पहली पृथ्वी आदम प्री एडमाइट वर्ल्ड जब डिस्ट्रॉय हुई थी, पानी से डुबा दी थी खुदा ने पृथ्वी को, लेकिन वहाँ पे बीज था। जब खुदा ने सृष्टि करी तो भांति भांति के बीज, किस्म किस्म के जो पेड़ जो बीज थे उनके अनुसार पेड़ उग करके आगे। द सीड वॉज ऑन द अर्थ व्हेन गॉड मूव द वाटर अवे एंड द सन हिट इट, इट कम अप। यदि बीज हमारे अंदर है खुदा का, जब वो रोशनी सूरज की पड़ेगी अर्थात वचन की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी, अवश्य है वो बीज जागेगा। इसीलिए जब प्रचारक को प्रचार करने जाते हैं, किसी के अंदर वो बीज है जो खुदा ने जिसे अनंत जीवन के लिए चुन करके रखा है, जो उसका बीज है एकदम से वचन स्ट्राइक करता है और उनके हृदय के अंदर हलचल होती है और वो कहते हैं दिस मैसेज इज द ट्रूथ, ये वचन सच्चा है, ये मैसेज सच्चा है, गहराव गहराव को पुकारता है, तो उनका धन्यवाद करते हैं। व्हेन गॉड मूव द वाटर अवे एंड द सन इट कम अप, दैट्स राइट, दैट्स ऑल इट नीडेड वॉज सन, जस्ट नीडेड लाइट, यस सर। एंड देन व्हेन द होली स्पिरिट इन हिम मूव्ड अवे, हर जब पवित्र आत्मा ने उसकी पुरानी लाइफ बता दी एंड शोड इट टू हर, दैट लाइट स्ट्रक इट, उसको रोशनी ने उस स्त्री को छुआ, शी सेड सर आई परसीव यू आर ए प्रोफेट। जब मन की बात यहाँ से निकले मतलब कोई प्रोफेसी कर रहा है, कोई प्रोफेसी कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम इंसान को नहीं चढ़ाते क्योंकि प्रॉफिट एक ही हमारे युग में आए, प्रॉफिट है, लेकिन प्रोफेसी की पवित्र आत्मा तो है, एक पवित्र आत्मा प्रोफेसी की तो हमारे बीच में है जो चल रही है। उस समय प्रोफेसी हम वहीं तक ना लिमिट रख लें, प्रोफेसी आज भी हो रही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वही आत्मा आज भी जीवित है, प्रोफेसी की आत्मा आज भी हमारे बीच में काम करती है। तभी तो चमोली और अंबरनाथ की तबाही यहाँ से बोली गई और दो घंटे के अंदर वैसा ही हो गया, और भी आगे करके और भी कई बातें होती है। मैं कह रहा हूँ आत्मा अक्टूबर के महीने से चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, हमें बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ पाठ जो के जोना है। एक्सपेक्टेशन कैसा होता है, जैसे भाई बहन ने पहले भी एग्जांपल दिया, जब कोई हमारे प्रिय जन आने वाले हैं हम घर की सफाई करते हैं, रेडी हो जाते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ दरवाजे से झांकते हैं, खिड़की में से झांकते हैं, क्योंकि हमारे प्रियजन आने वाले हैं, हमारे प्रिय खुदा बाप प्रभु मसीह यीशु मसीह आने वाले हैं। ये एक्सपेक्टेशन में अब हमें रहना है। यहाँ से प्रोफेसी हो गई, बार बार भाई कह रहे हैं मेरे अंदर एक विभूति हो रही है, बार बार ये बातें आ रही हैं,
कि हमारे खुदा का आना बहुत नजदीक है। मेरे भाई बहनों, तो हमें कैसे होना चाहिए? उसने तो कह दिया, यू आर ए प्रॉफिट, नाउ वी नो, आई नो इट दैट व्हेन मसाया कम दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू बी। वो कहती है, उन्होंने पढ़ा था, वचन पढ़ा था, यह मसीह आएगा, दिल की बातों को बता देगा। जब यहां से दिल की बात निकले, इसका मतलब मसीह यहां पर हाजिर है, मसीह हमारे बीच में उपस्थित है, तभी तो दिल की बात बताई जा रही है। हाँ, क्योंकि प्रोफेटिक आत्मा मसीह का आत्मा है, और यदि प्रोफेसी यहां से होती है, इसका मतलब है मसीह का आत्मा यहां पर उपस्थित है। हाँ, उसने एकदम कहा, मुझे ज्ञात होता है आप प्रॉफिट हैं। एंड वी एंट हैड ए प्रॉफिट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, वी हैव नेवर हैड ए ट्रू प्रॉफिट फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स। एंड शी सेड, हाउ यू टेल मी अबाउट माई हस्बैंड। उसने कहा, कैसे आपने मेरे पति के बारे में बता दिया। एंड टोल्ड मी हाउ मैनी आई हैव हैड एंड सो फोर्थ, कि मेरे कितने पति हो चुके, ये सारे आपने बता दिए। वाई सेड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि आपने कैसे बता दिया। When Messiah cometh, well, he is going to do that. मैं जानती हूँ जब मसीह आएगा तो यह करेगा, मसीह आएगा मन की बात बताएगा। But who are you? सवाल स्त्री के अंदर अभी भी है, मेरे मन की बात तो बता दी, मेरे पांच पति थे, छठी के साथ जिसके साथ मैं रह रही हूँ वो भी मेरा नहीं है। आप तो प्रॉफिट लगते हैं, लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है एक जू है, बैठ वहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, अब विवश हो गई वो पूछने के लिए, विवश हो गई पूछने के लिए, हु आर यू, आप कौन हैं। वहाँ पर जब यीशु मसीह उतर रहे थे यरूशलेम में, लोग पूछ रहे थे हु इज दिस, उनको वहाँ जवाब नहीं मिला। लेकिन एक स्त्री है, वो पूछ रही है हु आर यू, और उसी समय यीशु मसीह ने जवाब दिया, ही सेड आई एम ही, मैं जो आने वाला था मैं वो हूँ, मैं जो आने वाला था मैं वो हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसके ऊपर हमारा खुदा प्रकट करना चाहे अपने आप को वो उन्हें प्रकट करता है, जिसके छुपाना चाहे उससे वो छुपाता है। उन्होंने फकी फरीसियों से अपने आप को छुपाया, लेकिन एक इल फेम स्त्री के ऊपर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। बड़े बड़े आजम और फाजिम यहाँ पर हमारे समय में भी पाए जाते हैं, डीडी वगैरह सब कुछ है, लेकिन खुदा ने अपने आप को उनसे छुपाया, लेकिन मेरे और आपके ऊपर उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ना चाहने वाले की इच्छा, ना दौड़ने वाले की इच्छा, बल्कि दया करने वाले की इच्छा है। यहाँ पर मसीह यीशु अपने आप को उस इल्फेम स्त्री के ऊपर प्रकट करने जा रहे हैं। जब यीशु मसीह उतरे, हम सब जानते हैं उन्ना 12 के अंदर, उसी के बाद कुछ ग्रीक्स आए थे, हम यीशु को देखना चाहते थे, यीशु मसीह ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट नहीं किया। वही टाइम है, आप यदि स्क्रिप्चर पढ़ें तो वही टाइम है जब यीशु मसीह यरूशलेम में फसह के पर्व के टाइम पे उतर रहे थे, गधी के बच्चे के ऊपर उतर करके आ गए थे। हाँ, और उसके बाद ये ग्रीक्स आते हैं और कहते हैं, हम फिलिपोस से हम यीशु को देखना चाहते हैं। मैं स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा रहा समय बचाने के लिए। देखिए, यीशु मसीह ने उन्हें क्या कह दिया, गेहूं का दाना जब तक अकेला रहता है, अकेला रहता है जब तक जीवित है, लेकिन एक बार जब मर जाता है तो 100 गुना फल लाता है। अभी तुम मुझे नहीं देख पाओगे, आप अभी ग्रीक लोग, आप मुझे अभी नहीं जान जाओगे, सारे शहर में ये फैल रहा है, हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, ग्रीक्स, मैं अभी अपने आप को तुम पर प्रकट नहीं करूँगा, लेकिन एक समय आएगा जब मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जिसके ऊपर वो प्रकट करना चाहे अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करते हैं, जिस पर ना प्रकट करना चाहे नहीं करते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को उस समय प्रकट नहीं किया, लेकिन मछुआरों के ऊपर जो अंगूठा टेक थे, हाँ, अपने आप को उन्होंने प्रकट किया कि ये कौन है। जैसे पतरस को देख लीजिए, एंड्रू को देख लीजिए, हाँ, नथानियल वगैरह को देख लीजिए, सबको देख लीजिए, कैसे अद्भुत रीति से खुदा ने अपने आप को उनको प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रकट नहीं किया हन्ना के ऊपर, प्रकट नहीं किया कैफा के ऊपर, प्रकट नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम कितने ब्लेसेड लोग हैं जब खुदा ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। डिनोमिनेशन, बड़े बड़े चर्चेज हैं, दिल्ली का ही देख लीजिए, सारे हिंदुस्तान दुनिया की क्यों देखें, बड़े बड़े चर्चेज हैं,
लेकिन खुदा ने अपने आप को वहां प्रकट नहीं किया, लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि तुगलक आबाद एक्सटेंशन में इस यहाँ पर आ जाए और जो थोड़े से लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करें। सारे लोग कहते हैं हुए जी, उन्हें कहने लीजिए, लेकिन वो हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करते, देख मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हूँ, मैं प्रथम हूँ, मैं अंतिम हूँ, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अब मैसेज के अंदर थोड़ा सा जाते हैं। भाई बहनों का अदर डे आई पास दैट हाफ वे मार्क नाउ और 50 इयर्स ओल्ड आई जस्ट कांट रियलाइज दैट डोंट सीम लाइक इट्स बीन नो टाइम सिंस आई वॉज हॉलिंग ग्रॉसरीज फॉर चिरिस मैसेंजर अबाउट। वो कह रहे हैं मैं किसी के लिए ग्रॉसरी 18 साल का था, 16-18 साल का था, मैं किसी के लिए अनाज ढोता था। मैं इतना समय निकल गया, अब मैं 50 साल का, थोड़े दिन पहले ही मैं 50 साल का हुआ हूँ। बट जस्ट वेंट समवेयर, इट जस्ट गोज टू शो दैट हियर वी हैव नो कंटिन्यूइंग सिटी बट वी आर सीकिंग वन टू कम। हमें ये बताता है कि एक सिटी हमारे पास आने वाली है, ये सिटी हमारी परमानेंट रहने का स्थान नहीं है। भाई इब्रानियों 11 के अंदर भी तो यही लिखा हुआ है, वो एक सिटी की खोज में थे, उन्होंने देख लिया था एक सिटी आने वाली है, भटकते रहे सड़ते रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो आज उस सिटी के बारे में प्रभु हमें बता रहा है, वो आने वाली सिटी के बारे में आज प्रभु हमें बता रहा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बट वी आर सीकिंग वन टू कम एंड दैट्स द सिटी वेयर गॉड इज बिल्डर एंड देयर will never be no end there. वहाँ पर कभी अंत नहीं होगा। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये मदर्स डे को सुबह, उस दिन मदर्स डे था, भाई बहन हम यहाँ पर माओ के लिए खास तौर से ये पैराग्राफ कह रहे हैं। मैं वैसे ही बोल दूँ, भाई बहन हम कह रहे हैं, मैंने सुबह प्रचार किया मदर्स डे के ऊपर, मैं अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ। और वहाँ पर भाई बहनम कह रहे हैं, दिस मॉर्निंग आई वॉज स्पीकिंग ऑन द सब्जेक्ट मदर्स डे एंड ट्राइंग टू प्लेस मदर नॉट एज शी मदर को मैं प्रचार कर रहा था। अब तो मेरी मदर बूढ़ी हैं, या जो भी मैं बूढ़ी माँ करके नहीं देखना चाहूँगा उनको, बट मदर आई वॉन्ट टू सी हर इन द रिजरेक्शन। भाइयों बहनों, मदर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भाई बहनम यहाँ बताते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक के लिए खुदा ने पर्पस रखा है। बहने कहें हमारा पर्पस क्या है, खुदा ने उन्हें माँ बनाया है, उन्हें पर्पस दिया, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों की देखरेख करना, घर की देखरेख करना। भाई बहन हम कह रहे हैं मेरी माँ, मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। हाँ, आई लाइक टू थिंक माय मदर एज व्हाट इन द रिजरेक्शन रिस्टोर्ड बैक टू हर यूथ एंड स्टैंडिंग शाइनिंग एज ए क्वीन। मैं अपनी माँ को रिजरेक्शन में ओल्ड मदर देखना नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूँ अपनी माँ को देखूँ रिजरेक्शन मॉर्निंग के अंदर कि वो जवान दिख रही हैं, खड़ी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। हा? मदर का एक रोल बहुत होता है। मैं भी याद करता हूँ हमारी मदर को। या इस तरीके से हमारे पापा पास्टर थे और हफ्ते में 6-7 दिन बिजी थे, मीटिंग्स में इधर उधर जाया करते थे। हमारी मदर बच्चों को लेकर के बैठती थी, बच्चों को लेकर के दुआ बाइबल करती थी, उन्होंने शिक्षा दी हमें घर। मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें जानना है, बहनों को जानना है, मानना है कि हमारा रोल बहुत है बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना। भाई बहन हम कह रहे हैं, एंड आई नो यू फील दैट वे अबाउट योर मदर्स, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोच रहे होंगे मदर्स के बारे में। थिंक ऑफ हर एज शी रियली इज इन हर हार्ट। भाई बहन हम कह रहे हैं अपनी माँ को अब मैं रिजरेक्शन में देखना चाहता हूँ बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान। हर एक की यही इच्छा है, हम अपनी अपनी मदर्स को वैसे ही देखें, उसी हालत में हम देखें, क्योंकि मदर ने हमारे लिए, आज यदि मदर नहीं होती आज हम यहाँ नहीं होते, आज हमारे फादर नहीं होते हम लोगों के तो हम यहाँ पर नहीं होते। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने बच्चों को प्रभु के पीछे चलाने का, प्रभु की इच्छा में चलाने का। पेरेंट्स का रोल बहुत काफ़ी होता है, इसलिए पेरेंट्स की वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को प्रभु के वचन में आगे बढ़ा करके लेकर
भाई बहनम कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम आज सुबह मैंने क्यों अनाउंसमेंट कर, ये भाई बहन ने इवनिंग में मैसेज लिया था, मैंने क्यों अनाउंसमेंट किया कि मैं शाम को ये मैसेज लेने वाला हूँ, मेरे पास तो टाइम था नहीं, लेकिन यदि भाई बहन ये मैसेज शाम को नहीं लेते मेरे भाई और बहनों हमारे पास कैसे आता। हर एक चीज़ में प्रभु की मर्जी होती है, प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु ने भाई को उकसाया कि आज शाम को आप मैसेज लोगे और ये वाला मैसेज आप लोगे जो आज हमारे सामने है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, भाई बहन हम कह रहे हैं यहाँ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, भाई बहन हम कह रहे हैं द पीपल वर सो क्राउडेड अराउंड द गेट एंड द स्ट्रीट वर जैम एंड देयर वर नॉट इवन रूम फॉर पीपल टू स्लीप। वहाँ पे जगह नहीं थी बिल्कुल जब यीशु मसीह उतर रहे थे उस समय, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। दे वर लाइंग आउटसाइड द वॉल ऑल ओवर द ग्राउंड बिकॉज दिस वॉज द पास ओवर, ये पास ओवर का समय था एंड पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर प्लेसेस से आए थे उनको वर्शिप करने के लिए। टाइम दिस वॉज द वेरी स्पेशल टाइम व्हेन द पास्कल लैम वॉज स्लेन, ये बहुत ज़रूरी था। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने भी फसह का पर्व माना थर्सडे को, चेलों को कहा था हम सब जानते हैं, थर्सडे को उन्होंने फसह का पर्व माना और उसी रात को हमारे फसह के मेमने को उन्होंने दोषी ठहरा करके फ्राइडे को उन्होंने क्रूस दे दिया। हाँ इट एक्सप्लेन दैट डिलीवरेंस आउट ऑफ इजिप्ट, क्योंकि फसह का मानते थे। पीपल लव टू थिंक ऑफ दैट द टाइम दे वर डिलीवर्ड, हाउ दैट ईच ऑफ अस टुनाइट, लोग सोचना चाहते हैं हम कैसे, ये लोग सोचना चाहते थे फसह का पर्व मना के कि कैसे हमारी डिलीवरेंस हुई है। हाउ दैट ईच वन ऑफ अस टुनाइट कैन गो बैक टू द टाइम व्हेन वी वर डिलीवर्ड। भाई बहन हम कह रहे हैं हम में से हर एक ये सोचे उस समय को जब खुदा ने हमारा छुटकारा किया, हम भी शैतान की दासत्व में एक बार थे, हम भी पापों में एक बार पड़े हुए थे, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन कोई आया हमारे घर में, उन्होंने नॉक करा या उन्होंने घंटी बजाई और उन्होंने आकर के खुदा का वचन हमारे सामने रख करके आया। इट्स ए डे टू बी रिमेम्बर्ड, ये समय याद रखने लायक है। जैसे फसह का पर्व इसराइलियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे मेरे भाई और बहनों हमारे लिए भी वो दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस दिन प्रभु ने हमें बचाया, जिस दिन इन्होंने हमारा उद्धार किया, जिस दिन इन्होंने अपने पवित्रात्मा का बपतिस्मे हमें दिया, जिस दिन इन्होंने हमें इटरनल लाइफ दी, ये दिन याद करने लायक है। भाई ब्रैंडम कह रहा है कि रिमेंबर माई ओन एक्सपीरियंस माई पुअर बॉयज हार्ट, हम सब जानते हैं और मैसेज में भाई बहनों ने बताया कैसे भाई बहनों चाहते थे मैं खुदा से मुलाकात करूं, और उन्होंने सुना था कैसे खुदा जंगलों में रहता है। तो भाई बहनों ने एक दिन कहा कि मैं एक पेपर लेता हूं और एक पेंसिल लेता हूं, एक पेन लेता हूं और अपने खुदा को मैं चिट्ठी लिखूंगा, मेरे अंदर डिज़ायर है अपने खुदा से मिलने के लिए। और वो क्या क्या कहते हैं, एंड आई यूज टू गो डाउन, मैं जिस रोड से जाता था उस रोड पे मैं जा कर के ये चाहता था कि एक चिट्ठी लिखूं, उसके ऊपर लिखूं मिस्टर जीसस के लिए, एड्रेस करूं मिस्टर जीसस के लिए और वो पेड़ के ऊपर उसे लगा दूं, दस थम्बे दैट द बर्डन कुड बी फ्रॉम माय हार्ट, अपने दिल से बर्डन निकल जाए, अपने दिल की इच्छा को भाई बहन में एक चिट्ठी के रूप में लिखना मांगते थे। ओ दैट नाइट डाउन योंडर आई माइट फॉरगेट माई एज, कह रहे मैं अपनी एज को भूल जाऊँ, लेकिन उस रात आई माइट इवन फॉरगेट माई नेम समटाइम, मैं अपना नाम भूल जाऊं किसी समय, बट आई कैन नेवर फॉरगेट दैट आर व्हेन ही डिलीवर्ड मी फ्रॉम सिन, लेकिन मैं उस घड़ी को नहीं भूल सकता जब उन्होंने पाप से मेरा छुटकारा किया। भाई बहनों का अपना नाम मैं भूल जाऊं, अपना एज भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन मैं उस घड़ी को उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन खुदा ने मेरा छुटकारा किया। मेरे भाइयों बहनों वो दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जिस दिन प्रभु ने हमारा छुटकारा किया, हमें मौत से निकाल करके खुदा ने हमें जीवन में पहुंचा दिया। समथिंग टुक प्लेस डाउन इनसाइड मी दैट्स इट हेल्प मी थ्रू द ग्रेट आवर्स ऑफ डार्कनेस, मेरे दिल में कुछ हुआ जिसने मेरी मदद करी अंधियारे समय के अंदर। द आवर ऑफ डिलीवरेंस द वेट ऑफ सिन लेफ्ट मी, पापों का बोझ जो मेरे ऊपर था वो हट करके चला गया एंड आई वॉज ए न्यू पर्सन। जब प्रभु से मुलाकात करते हैं जब सारे पाप का बोझ
चला जाता है, हम एक नए इंसान बन जाते हैं। I've been a new creature in Christ Jesus ever since. अब उसके बाद गिर गए, ऐसा नहीं। एक बार मसीह यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, एक बार हम नई सृष्टि बन गए, उसके बाद वापस यीशु मसीह ने कहा था जो हल पे हाथ रख करके पीछे देखता है ना, मेरे योग्य नहीं है। एक बार हमने उस अनंत जीवन का स्वाद चख लिया तो क्या हमें पीछे पलटना चाहिए, क्या हमें वापस फिर जाना चाहिए? अब होता है पास्टर भाई अलाउ करते हैं दो बपतिस्मे, क्योंकि भैया चांस देते हैं, चलो एक बार ये गिर गए, चलो मैं इन्हें एक बार और चांस देता हूँ। भैया ने पुलपिट से कई बार कहा है, मैं खुदा के सामने ये नहीं कहता, खुदा के सामने कोई ये ना कहे पास्टर ने मुझे चांस नहीं दिया, मैं हर एक को चांस देता हूँ। गॉड ब्लेस आवर पास्टर फॉर दैट। लेकिन एक बार यदि आपको बपतिस्मा मिला, एक बार आपके गुनाह माफ हो गए, एक बार वो नए जीवन का वो तजुर्बा आपके अंदर मिल गया, आप गिर नहीं सकते। आप गिर गए इसका मतलब है नए जीवन का तजुर्बा नहीं हुआ था, नहीं तो आप नहीं गिरते। ये बताता है कि आपका नया जीवन नहीं हुआ था, आपने भेड़ चाल में किसी की देखा देखी, किसी की सुना सुनी बपतिस्मा ले लिया था, लेकिन वाकई में नया जीवन नहीं हुआ था। लेकिन एक बार जब नया जीवन हो जाता है, ही इज अ न्यू क्रीचर, उसका जीवन बदल जाता है, संसारिकता चली जाती है, संसार की हर एक बातें उन्हें बुरी लगती हैं, संसार को छोड़ करके मसीह के पीछे जा भागते हैं पूरे समय है। एंड भाई बहन हम कह रहे हैं ग्रेट आवर्स ऑफ डार्कनेस आर ऑफ माई डिलीवरेंस, द वेस्ट ऑफ सिन लेफ्ट एंड आई वाज न्यू पर्सन, आई बीन अ न्यू क्रीचर इन क्राइस्ट जीसस एवर सिंस, तब से मैं आज तक मसीह में नई सृष्टि हूँ। अपने आप को जांचने वाली बात है, क्या हम नई सृष्टि अभी हैं? क्या उसी समय हुए थे नई सृष्टि, आज भी क्या हम नई सृष्टि है कि नहीं, ये जांचने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों। एंड दिस वॉज वन ऑफ दोज टाइम द एयर वॉज चार्ज विथ एक्सपेक्टेंसी जस्ट एज इट इज टूडे, ऑल द आईज ऑफ दोज हु लव्ड हिम वॉज वॉचिंग फॉर हिम टू कम इन टू द गेट, हर आँख जो उससे प्यार करती थी वो गेट के ऊपर देख रही थी कि हमारा खुदा कब आएगा, कब आएगा। एंड आई बिलीव इट्स ए ग्रेट डील दैट वे टुडे फॉर दोज हु लव हिम आर लुकिंग फॉर हिम, आज भी एक महान दिन है उनके लिए जो उनकी आमद की रास्ता देख रहे हैं। द एयर इज चार्ज विथ एक्सपेक्टेंसी, आज भी हवा में बहुत ये गूंज रहा है, हम बहुत ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा पास्टर भाई कह रहे हैं अक्टूबर से कुछ होने वाला है, एक ग्रेट एक्सपेक्टेंसी हमारे अंदर चल रही है कि हमारा खुदा कब आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, कब आ जाए, हमें नहीं मालूम कब आने वाला है, लेकिन हवा में एक एक्सपेक्टेंसी घूम रही है, एक बहुत अपेक्षा के साथ हम अपने खुदा की बाट जो रहे हैं। यदि बाट जो रहे हैं तो सिर्फ संडे संडे नहीं जोएंगे, ट्यूजडे ट्यूजडे नहीं जोएंगे, थर्सडे थर्सडे नहीं जोएंगे, हर घड़ी हर दिन हर पल हर मिनट हमने खुदा की बाट जोएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा खुदा कब आ जाए, कब वो प्रकट हो जाए, कब अपने, क्योंकि वचन बताता चोर की नाई आने वाले हैं, लेकिन ये भी वचन बताता है तुम्हारे लिए वो चोर की नाई नहीं आएंगे क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। यदि हम ज्योति की संतान है हमें फिर वॉच भी करना है, इसलिए वचन ये भी बताता है वॉच एंड प्रे, प्रार्थना करते रहो, वॉच एंड रीड द वर्ड, वॉच एंड रीड मैसेजेस। भाई बार बार यही कहते हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि वचन को पढ़ो, मैसेज को पढ़ो, मैसेज को पढ़ो, कभी भी हमारा खुदा आ सकता है, कभी भी हमारे प्रभु हमें, क्योंकि आज का समय बहुत खतरनाक समय है, किसी समय भी एक पागल बॉम्ब का बटन दबा देगा और ये पृथ्वी कभी भी खत्म होने वाली है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद हो इससे पहले वो पागल आए, हाँ इससे पहले वो बॉम्ब का बटन दबाए, मेरे और आपके लिए एक प्रॉमिस है, मेरे आपके लिए प्रॉमिस है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर के जाऊँगा। हर एक जन उस पास ओवर के टाइम देख रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है, दैट्स द वे इट इज टुडे, मोस्ट एवरीवन नोज दैट समथिंग इज फिक्सिंग टू हैपन, हर कोई ये जानता है कुछ ना कुछ होने वाला है, हर कोई आप किससे भी बात कर लो, हा? एक अनजान कहेगा प्रलय आने वाला, उसे नहीं मालूम, आप बाहर के लोगों से बात करो तो वो कहेंगे प्रलय होने वाला है, हा? एक बिलीवर से बात करो तो वो कहेगा रैप्चर होने वाला है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दैट यू कैन टॉक टू द सिनर, बात करो वो भी कहेगा भाई प्रलय आने वाला है, यू कैन टॉक टू मर्चेंट, यू कैन टॉक टू एनीबॉडी, अनरेस्ट इस संसार में चल रहा है,
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. बट यू कैन टॉक टू ए मैन और ए वुमेन दैट लुकिंग फॉर हिम कमिंग. लेकिन यदि आप उस भाई से, उस बहन से बातचीत करें जो उसकी आमद की ओर देख रहे हैं, एंड द ग्लोरी कमिंग एंड द ग्लोरी इज ऑन देयर फेस शाइनिंग आउट, उनके चेहरों से पता लग जाएगा ये रेडी है, ये वॉच कर रहे हैं उनकी कमिंग से. भाई बहन हम कह रहे हैं चेहरे से पता चल जाएगा. यदि किसी का चेहरा ग्रूमी है, उदास है, इसका मतलब है वो वेट नहीं कर रहा खुदा के लिए. लेकिन जिसका चेहरा खुशी से भरा हुआ है, जिसका चेहरा आनंदित है, आत्मा में विभोर है, तो बताएगा वो उनके आने के लिए वेट कर. दे आर वॉचिंग फॉर दैट ग्रेट इवेंट. चेहरे को देख के पता चल जाएगा कि आप उस इवेंट के लिए तैयार हो कि नहीं हो, वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. भाई बहन हम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रॉफिट कह रहा है. चेहरे से पता लग जाता है मेरे भाई और बहनों. सो द होल एयर इज चार्ज अगेन एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. द वर्ल्ड डजंट नो व्हाट फिक्सिंग टू हैपन. संसार नहीं जानता क्या होने वाला है. बट द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड नोज व्हाट गोइंग टू हैपन. लेकिन जीवते खुदा की कलीसिया जानती है. उस समय ललकार प्रधान दूत का शब्द होगा, खुदा की पूरी फूकी जाएगी. हमारे और आपके रिश्तेदार भाई और बहन जो प्रभु में सोए हैं वो जीवित उठेंगे, जी उठेंगे. और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे. एक बिलीवर जानता है क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी तुरी फूकी जाएगी. व्हाट ए रियूनियन. भाई बहन हम कह रहे हैं इट विल बी व्हेन ही कम्स टू मीट आवर लव्ड वंस एंड सी देम इन देयर रिजरेक्शन बॉडी. कितना महान दिन होगा मेरे भाइयों बहनों. इमेजिन करके देखिए, संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कल हमें काम पे जाना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमें कमाना है, हमें खाना बनाना है. मैंने भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ये सोचे जब वो आएंगे तो वो कैसा दिन होगा, जब वो आएंगे वो कैसा समय होगा, जब वो आएंगे वो कैसा ग्लोरियस मोमेंट होगा. उस समय को याद रखे, सारे संसार की बातों को भूल जाए, उसी को समय को सोचें, प्रभु वो कैसा महान दिन होगा. वो यहाँ से दरवाजे से, यदि हम यहाँ चर्च में बैठे हैं, भाई लाल घुसते हुए आएंगे, मेरे भाई और बहनों, भाई टोनी घुसते हुए आएंगे, भाई संतू घुसते हुए आएंगे, भाई भाई मैथ्यू घुसते हुए आएंगे, और भी भाई और बहन यहाँ से घुसते हुए आएंगे. यदि हम यहाँ चर्च में बैठे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, और हम उनसे हाथ मिलाएंगे, वॉट ए ग्लोरियस टाइम इट विल बी. सपोज हम यहाँ बैठे हैं, अभी भाई लाल आ जाए, मेरा कह सबके साथ उठ के खड़े हो जाएंगे, सब चिल्लाएंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, माय प्रेशियस ब्रदर, माय प्रेशियस ब्रदर. हम सब एक महा, हम जान जाएंगे अब हमारा जाना निकट है, अब हमारा छुटकारा निकट. जब हम जीवित सेंट्स को जब हम देखेंगे, भाई बहनों ने बताया 40 दिन के अंदर अंदर हमारा रैप्चर हो जाएगा. मेरे भाइयों बहनों, ऐसा समय आने वाला है. क्या हम ग्रेट एक्सपेक्टेशन के साथ, उस समय एक्सपेक्टेशन था, पास्कल लैम्ब होने वाला था, वो अपने लोग देख रहे थे कि कोई आ रहा है, एक राजा एंट्री हो रही है. चेले बहुत उत्साहित थे, पूछ रहे हैं प्रभु क्या आप स्वर्ग को राज को इसी समय फेर देंगे. आज हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशन है, हमारे राजा ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे प्रभु ऑलरेडी आ चुके हैं. प्रभु क्या आप अपनी दुल्हन को आज लेकर के जाने वाले हैं. हम पूछे प्रभु से, प्रभु आप अपनी दुल्हन को कब लेकर के जाने वाले हैं. ग्रेट एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं. कितना महान समय होगा. एंड ग्लोरीफाइड, हम भाई बहन हमारे बीच में चलते रहेंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी के अंदर होंगे, वॉचिंग देयर हम एंड ग्लोरीफाइड एंड वॉकिंग अराउंड विद द हेयर ऑफ रिजरेक्शन, वॉचिंग देयर कैरेक्टर हाउ इट्स चेंज, द मीकनेस एंड क्वाइटनेस. उनका कैरेक्टर कैसा चेंज हो गया होगा, बहुत धीरे से हलीमी के साथ, मीकनेस के साथ. हाँ, and it won't be hustle and bustle and jump and jerk for well all eternity to live together. हम इटर्निटी में हमारे भाइयों के साथ, बहनों के साथ हमें रहेंगे. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो दिन बहुत नज़दीक है. बार बार पवित्र आत्मा में इससे बार बार कह रहा हूँ, हमें कह रहा है रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ. मेरे भाइयों बहनों, अब वो समय ख़त्म हो गया. ठीक है भाई बहन, हम कह रहे हैं उस समय भी एक्सपेक्टेशन बहुत था, हम जानते हैं था एक्सपेक्टेशन. हाँ, हम भी उस समय सुनते थे हमारा प्रभु आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं. लेकिन प्रभु उस समय नहीं आए. क्यों नहीं आए? क्योंकि वो आखिरी भेड़ आनी है. जब तक मैं और आप उसमें शामिल
नहीं हो जाते जब तक वो आखिरी भेड़ उसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि प्रभु के आगे उनका प्लान है, इटर्निटी से उन्होंने प्लानिंग करके रखी है। लेकिन हमें तैयार ऐसे होना, भाई बहन हम कह रहे हैं, हो सकता हमें ऐसे तैयार होना कि प्रभु अभी आ रहे हैं, ऐसे रेडी होना कि चाहे प्रभु चाहे एक घंटे बाद आए, ऐसे रेडी हमें फिर भी होना है, चाहे एक दिन के बाद आए, चाहे एक महीने के बाद आए, चाहे एक साल के बाद आए, हमें प्रभु से मिलने के लिए हर समय हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ हु इज़ ही का मैसेज मेनली इन्होंने रैप्चर के ऊपर प्रचार किया है, मेनली इन्होंने सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के ऊपर बार बार उस बात को रिपीट करिए कि प्रभु की आमद बहुत नज़दीक है, प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है, हम उसके लिए तैयारी हो जाए। देन एज दे वेटेड फॉर समथिंग टू हैपन इट वॉज टू बैड दैट डे मैनी ऑफ दोज पास ओवर नेवर गॉट टू सी हिम। हम प्रभु का भाई बहनम के उस समय वो लोग उन्हें देख नहीं सके। सो यहाँ पे ऐसा ही होगा, भाई बहनम कह रहे हैं देर इज मैनी रेस्टलेस पीपल टूडे दैट नोज दैट समथिंग इज फिक्सिंग टू हैपन बट दे विल नेवर सी हिम। डिनोमिनेशन भी सोच रहा है रैप्चर होगा रैप्चर होगा रैप्चर होगा, आने वाले हैं आने वाले आने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाएंगे जैसे उस समय वो आए थे गधी के बच्चे के ऊपर, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाए थे। आज भी वैसा ही होगा। डिनोमिनेशन चर्च भी कहते हैं, आप मेथोडिस्ट के पास चले जाइए वो भी आपको कहेंगे रैप्चर होने वाला, पेंटिकॉस्टल के पास चले जाइए वो भी आपको कहते हैं रैप्चर होने वाला, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे, वो वही देखेंगे जिन्हें उन्होंने चुना हुआ अनंत जीवन से। और ही विल कम इन द स्टिलनेस ऑफ द मिडनाइट टू कैच अवे दैट लिटिल चर्च, एक छोटे कलीसिया को चर्च को लेने के लिए आया है। भाई बहनों यहाँ पर इट्स बीन अबाउट सिक्स मंथ्स अगो, आई सपोज आई वर टेस्टिफाइंग टू सम पीपल एंड आई सेड ओवर टू थिंक ऑफ इट दैट जस्ट मोस्ट एनी टाइम ही विल कम। मैं किसी को टेस्टिफाई कर रहा था, कह रहा था अरे ऐसे सोच कर देखो कभी भी हमारे खुदा आ सकते हैं, कभी भी हमारे पास आ सकते हैं भाई बहनों। उसके बाद बताया मैं क्यों कह रहा था ऐसा, क्योंकि भाई बॉस्वत उस समय प्रभु के पास जाने वाले थे। हमारे भाई बॉस्वत भाई बहनम कह रहे हैं बहुत बीमार थे, और मेरे को पता चला मैंने गाड़ी तेजी से दौड़ाई और टायर तक फटने वाले थे, लेकिन मैं उनके पास पहुंच गया और मैंने भाई बॉस्वत से कहा एंड आई सेड ब्रदर बॉस्वत आई वांट टू आस्क यू समथिंग डू यू बिलीव दैट यू विल गेट वेल। मैंने उनसे पूछा भाई बॉस्वत क्या आप विश्वास करते हो कि आप चंगे हो जाओगे। ही सेड ओ आई एम नॉट इवन सिक, मैं तो बीमार भी नहीं हूँ भाई ब्रैंडन। देखिए एक विश्वासी को देखिए, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए हम कलह ना करें, अरे हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, अरे हाय क्या हो गया, हाय कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बॉस्वत जाने वाले हैं भाई, उनको पता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, वो कह रहे हैं मैं तो बीमार भी नहीं हूँ। ही सेड ओ आई एम नॉट सिक, आई सेड वेल व्हाट्स द मैटर, ही सेड आई एम गोइंग होम। ये एक्सपेक्टेंसी थी भाई बहन, हम तभी कह रहे हैं बहुत एक्सपेक्टेंसी उस समय थी कि प्रभु हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। और उसी के बाद कोई भाई बॉस्वत के बारे में बातचीत करते हैं, भाई बॉस्वत कह रहे हैं मैं जाने वाला हूँ। ही सेड आई एम टायर्ड आई एम वोर आउट आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम। क्या हम बहुत टायर्ड हो गए, क्या हम वोर आउट हो गए, या हम अभी भी खुशी मनाना चाहते हैं दुनिया के अंदर। भाई बॉस्वत कह रहे हैं मैं तो बहुत थक गया, मेरा जीवन बहुत थक गया, अब मैं प्रभु के साथ आराम करना चाहता हूँ। हमारी भी क्या यही गवाही है, इस संसार में हमारे लिए कोई रेस्ट नहीं है, इस संसार में हमारे लिए कोई आनंद नहीं है, संसार में हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, हम थक चुके हैं इस संसार से, संसार की बात हो, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग भाई बहनम ने कहा, बैक डाउन थ्रू द 70 सम ऑड ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री। भाई बॉस्वत आपने करीब करीब 70 साल की सेवकाई करी है, वॉट हैज़ बीन योर मोस्ट ग्लोरियस मिनट, आपका सबसे महान मिनट कौन सा रहा है। भाई बॉस्वत ने कहा आई शैल लिव टू सी दिस एज, आई नेवर फॉरगेट एज दोज डार्क आईज कॉट सॉरी आई टेल मी वॉट एक्सपीरियंस यू हैड डाउन अलॉन्ग द लाइन वॉट कुड काउंट यूर ग्रेटेस्ट आर, मगर आप महान घड़ी कौन सी कहोगे। भाई आई शैल लिव टू सी दिस एज आई नेवर फॉरगेट एज दोज डार्क आईज कॉट मी ओवर द टॉप ऑफ दोज ग्लासेज। ही सेड माई डियर ब्रदर दिस इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, मेरे भाई ये सबसे महान घड़ी मेरे जीवन की है। मैंने 70 साल प्रचार किया,
वो महान तो था ही, लाखों लोगों को प्रभु के पास लाए भाई, चलो ठीक है वो तो था ही, लेकिन ये घड़ी जब आज मैं अपने प्रभु के साथ जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे महान है। आई कांट थिंक ऑफ एनी टाइम दैट वॉज एनी मोर ग्लोरियस देन राइट नाउ, इससे बढ़कर और ग्लोरियस समय नहीं है, जब हम अपने प्रभु से मिलेंगे, जब अपने प्रभु के साथ रहेंगे, उससे बढ़ करके और कोई ग्लोरियस समय हो ही नहीं सकता। आई लुक्ड हिम इन द फेस एंड आई सेड, सर डू यू स्टिल नो दैट यू आर डाइंग? मैंने कहा भाई आप क्या जानते हो कि आप मरने वाले हो? ही सेड ब्रदर ब्रैनम आई एम लाइंग हियर वेटिंग एवरी मिनट फॉर हिम टू ओपन दैट डोर एंड कम टेक मी होम विथ हिम। भाई ब्रैनम मैं वेट कर रहा हूँ मेरा खुदा कब वो दरवाजा खोलेंगे और कब मुझे अपने साथ लेकर के जाएंगे, कब मेरे घर का दरवाजा खुलेगा, कब मेरा खुदा उतर करके आएगा। प्रभु का धन्यवाद करते, दैट्स द डे, दैट्स द वे टू डाई, दैट्स द वे टू गो, ये तरीका होता है। और उसके बाद भाई ब्रैनम बता रहे हैं वो कोमा में थे और दो दिन तक कोमा में रहे, उसके बाद जब होश में आए तो वो खड़े होकर के सबसे मिल रहे थे, हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, वो अनसीन लोगों से मुलाकात कर, ये होती है एक विश्वासी का यहाँ से जाना आए। और भाई ब्रैनम ने ये बात किसी और के साथ करी, आई टॉक टू अ मैन अबाउट दिस एंड टोल्ड दैट एक्सपीरियंस, आई सेड दिस, आई सेड सर ओ वोंट इट बी ग्लोरियस व्हेन वी सी हिम, ओ इफ वी वुड कम टुडे। मैंने किसी से कहा भाई ये कितना महान नहीं होगा, मैंने उन्हें ये स्टोरी बताई, ये उन्हें ये बताया कितना महान नहीं होगा। ही सेड व्हाट डू यू मीन, और उन्होंने मुझसे कहा आपका कहने का मतलब है? ही सेड ओ डोंट ट्राई टू टेल पीपल दैट द वर्ल्ड इज कमिंग और क्राइस्ट इज कमिंग, इट वरीज देम। वो कहने लगे लोगों को मत कहिए कि यीशु मसीह आ रहे हैं, लोगों को मत कहिए कि मसीह आने वाला, ये लोगों को वो वरी हो जाती है उनको। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम खुश होते हैं जब हमें कोई कहे कि हाँ प्रभु आने वाला है, हम खुश होते हैं और हम कहते हैं प्रभु आ, जैसे प्रकाश वाक्य में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है प्रभु आइए, आप आइए और हमें यहाँ से लेकर जाइए। लेकिन ये आदमी कह रहा है हम तो वरी हो जाते हैं, लेकिन जो तैयार है वो वरी नहीं होंगे, जो तैयार नहीं है वो वरी होंगे। वहाँ पर प्रभु का धन्यवाद कर, टाइम निकलता चला जा रहा है, एंड इट इज इन चेंज एनी टूडे बिकॉज द होली स्पिरिट फॉर रनिंग द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आगे आगे जाके कह रहे हैं कि उनका आना बहुत नज़दीक है। मैं जैसे मैंने बताया इस मैसेज में, भाई ब्रैनम कमिंग ऑफ द लॉर्ड के ऊपर ही बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं और पवित्र आत्मा यहाँ से भी पुलपिट से कमिंग ऑफ द लॉर्ड के लिए बहुत स्ट्रेस कर रहा है। हमें भाइयों बहनों तैयार होना एज द होली स्पिरिट बिगिन्स टू स्ट्रेच आउट अक्रॉस द अर्थ। भाई बहन हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा रिवाइवल भेजी, सब कुछ हुआ और पवित्र आत्मा के जरिए से ये कहा जा रहा है तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और वही पवित्र आत्मा आज भी हमें वही बता रहा है। आगे बढ़ूँ, थोड़ा आगे बढ़ूँ। यहाँ पर कह रहे हैं भाई बहन, हम कह रहे हैं चेलों को यीशु मसीह, जैसे हमने पढ़ा भी ये नहीं कहा था, आई सेड लॉर्ड जीसस गेव मी द होली स्पिरिट टू प्रीच द गॉस्पेल एंड गेव मी अ कमीशन, वेल दैट द ऑर्डिनेशन। वहाँ से कोई पूछ रहे हैं भाई ब्रैनम से, भाई ब्रैनम आपका क्या ऑर्डिनेशन हुआ? भाई ब्रैनम ने कहा हाँ, किसने ऑर्डिनेशन किया? मेरा खुदा ने, आई हैव गॉट ए कमीशन। आज खुदा ने हमें कमीशन दिया है। जीसस नेवर सेड हिज डिसाइपल गो आउट, I am not criticizing those things that they have lived this day. He didn't say go study to be a minister. Yeshu Masih ne kaha ja ke study karo. Yeshu Masih kya ja ke thehre raho jab tak pavitra atma na pao. Jab pavitra atma milega to tum mere gawah hoge. Prithvi ki chhor tak mere gawah hoge. Yahan pe hum dekhen, yahan pe bhai behan hum bata rahe hain apna example. फिर वो बताते हैं कैसे वो अफ्रीका में गए, कैसे यहाँ पर गए हैं लोग, यहाँ पर कैसे अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में वो गए थे, कैसे उन्होंने खड़े खड़े एक दर्शन देखा कि एक बस आ रही है और बस के ऊपर लिखा है डरबन लिखा हुआ है और वहाँ पे एक लड़का है उसके अंदर और जिसका पैर एक पैर 6 और 8 इंच करीब करीब छोटा है। भाई बहन दर्शन देखा और जो इंटरप्रेटर था उनको बता भी दिया कि जो
शूमैन थे, उनको बताया, इंटरप्रेटर थे कि ये विजन में देख रहा हूँ। एक लड़का है जिसका 6 से 8 इंच पैर छोटा है और वो मीटिंग में आने वाला है। ही सेड वेरी वेल एंड आई सेड द यंग मैन सिटिंग बैक, और पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया और वो कहने लगे, आई सेड द यंग मैन सिटिंग बैक देयर विद द वाइट शर्ट ऑन एंड द सस्पेंडर, ही केम फ्रॉम अ सिटी कॉल्ड डर्बन, सम 1500 miles अक्रॉस द कंट्री इन अ बस, एंड ही हैड टू स्लिप अवे फ्रॉम हिज फादर एंड मदर, अपने माँ बाप से छुप करके वो लड़का आया है टू कम, बट ही हैज बिलीव्ड ऑन द लॉर्ड जीसस, उसने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, एंड ही हैज गॉट 1 leg 6 inches shorter than the other। यहाँ एक लड़का, क्योंकि उन्होंने विजन देख लिया था, और कहा एक लड़का है जिसका पैर 6 इंच छोटा है, एंड द यंग मैन जम्प्ड अप, जैसे ही उसने सुना वो यंग आदमी खड़ा हो गया। देयर ही वॉज स्टैंडिंग ट्राइंग टू फील फॉर हिज क्रचेस, वो खड़ा हो रहा सोचा कि मैं क्रचेस उठाऊँ, एंड आई सेड यंग मैन द लॉर्ड जीसस हैज हील्ड यू। पवित्र आत्मा, मैंने कहा यंग मैन यीशु मसीह ने तुम्हें चंगा कर दिया, इमीडिएटली हिज लेग कम आउट 6 inches, 6 इंच छोटा लेग बढ़ गया, उसका लेग नॉर्मल हो गया। बाद में वो पुल वहाँ पर आए, स्टेज के ऊपर आए, डॉक्टर ने उनको एग्जामिन करा और देखा वाकई में इसका तो बिल्कुल नॉर्मल पैर हो गया। प्रभु है भाई और बहनों, प्रभु हमारा है, वो मुर्दों को जिलाता था, आज भी वही काम हमारा प्रभु करता है। और लोग सोचते हैं कि इंसान ने किया, इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान के हाथ में है ही नहीं कुछ करने का, ये तो आत्मा है, खुदा की आत्मा है जो करता है। और फिर उन्होंने एक और दर्शन देखा, उन्होंने देखा कि एक कार जा रही है, उसके अंदर एक लड़की चला रही है, टेस्ट है और एक्सीडेंट होता है, उसकी कमर वो हो जाती है, यंग ब्रोकन बैक, उसकी कमर टूट जाती है, वही भी दर्शन उन्होंने देखा। हाँ, और वहाँ सामने देखा एक लड़की लेटी हुई थी, बाद में उन्होंने देखा और उन्होंने जोर से उसको कहा, जस्ट देन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी दैट लाइट आके खड़ी हो गई उस लड़की के ऊपर, और उन्होंने उस लड़की को बुलाया, उसकी मदर घबरा गई, अरे इन्हें मत बुलाओ, इसे मत बुलाओ, ये इसकी तो कमर टूट जाएगी। हाँ, हर मदर से डोंट टेल हर टू गेट अप, भाई ब्रैनहम ने कहा था उठ जाइए, प्रभु यीशु मसीह हील करते हैं आपको, एंड द यंग लेडी जंप टू हर फीट, और वो यंग लड़की खड़ी हो गई। देखिए कितने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं वहाँ पर, स्क्रीमिंग एंड प्रेजिंग गॉड। वो लड़की खड़ी हो गई जो उसकी कमर टूट चुकी थी, पड़ी हुई थी स्ट्रेचर के ऊपर, मदर ने कहा इसे मत खड़ा होने को कहिए, ये तो टूट जाएगी, ये तो मर जाएगी, लेकिन लड़की ने विश्वास किया और वो खड़ी हो गई और उसी समय ठीक हो गई, एंड प्रेजिंग गॉड, एंड द मदर फेंटेड, मदर गश्त खा करके गिर गई। वॉट इज इट, जस्ट अबाउट दैट टाइम सम क्रिटिकल मैन रेज द बैक देयर शूट विथ 1 foot on 1 seat एंड 1 on, एक वहाँ पे क्रिटिक थे, कहने लगे यू अमेरिकन, आई चैलेंज यू टू टेल मी वॉट नेम यू डू इट। वो एक आदमी वहाँ खड़े हो गए, कहने लगे आप किस नाम से ये सारी चीज़ें कर रहे हो, एंड वॉट डिनोमिनेशन ऑफ चर्च डू यू थिंक टू, आप कौन से डिनोमिनेशन को, इज जस्ट द सेम, दे डोंट अंडरस्टैंड। जैसे उस समय था आज भी वैसा ही है, लोग नहीं समझते ये कैसे हो रहा है, दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस थिंग, द चर्चेज आर नॉट लुकिंग फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड, चर्चेज यीशु मसीह की आमद की ओर नहीं देख रहे हैं, एंड द होली स्पिरिट इज हियर टू कन्फर्म इज कमिंग, लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ पर है, जो हमें कह रहे हैं उनकी आमद बहुत नज़दीक है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा यहाँ पर है और जो हमें कह रहा है, हमें चिता रहा है, इज कमिंग क्लोज, उनका आना बहुत नज़दीक है, कमिंग टू ब्रिंग इट टू पास, सो मच ईच वन वॉन्ट्स टू टेक हिज ओन वे, दैट्स द वे इट वॉज देयर, हर एक ग्रुप अपना अपना करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा चिताता था आज अपने मन की ना करें। हाँ, जब पवित्र आत्मा हमसे कुछ कह रहा है हम उसको पर विश्वास करें। उन समय में तो लोग विश्वास नहीं करते थे, वो सोचते थे आप कौन हो, आप कौन से डिनोमिनेशन के हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा था यीशु में आना बहुत नज़दीक है। आज भी पवित्र आत्मा कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, हम अपनी अपनी उन लोगों के समान अपनी अपनी राहों पर ना चलें, लेकिन जो पवित्र आत्मा कहता है हम उसको पर विश्वास करें। बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन टू नाइट, दैट्स नॉट वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, बस द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज वॉट डू यू थिंक इट इज। अब भाई बहनम सवाल पे आ गए, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो चंगाई मिली, ये जो लड़के का 6 इंच का पैर बड़ा हो गया, वो लड़की जिसकी गर्दन कमर जिसकी टूटी हुई थी वो खड़ी हो गई, और पवित्र आत्मा कह रहा है उसका आना बहुत नज़दीक है। भाई बहनम एक सवाल पूछते हैं,
क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज व्हाट डू यू थिंक इट इज, ये क्या है, डज इट कंसर्न यू, हु इज दिस दैट गोइंग अप एंड डाउन द नेशन, सवाल आ गया यहाँ पे, ये कौन है जो नेशन में इधर उधर जा रहा, भाई ब्रैनम जा रहे थे, हम सब जानते हैं भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन भाई ब्रैनम सवाल पूछ रहे हैं, आशीष भाई ने भी आज वही सवाल कहा, ये मत सोचो ये भाई आशीष हैं, ये एक पवित्र आत्मा है जो भाई के अंदर से होकर के काम कर रहा है, यही बात भाई ब्रैनम कह रहे हैं, ये कौन है जो देशों देशों में जा रहा है, जो जा जा के बड़े बड़े काम कर रहा है, हु इज दिस दैट गोइंग अप एंड डाउन द नेशन, नॉट मैन, ये ब्रदर ब्रैनम नहीं है जो जगह जगह जा रहा है प्रचार कर रहा है, ये कोई आदमी नहीं है, नॉट मैन, मैन कैन नॉट डू दिस थिंग्स, आदमी ये चीजें नहीं कर सकते, भाई ब्रैनम ये प्रॉफिट के मुंह से सुन लीजिए, हम इसीलिए भाई बार बार कहते हैं हम किसी आदमी को आइडोलाइज ना करें, जब कुछ होता हुआ देखें तो प्रभु की महिमा करें कि प्रभु ने इस भाई को इस्तेमाल किया, ये सही तरीका है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपने हमारे पास भाई को इस्तेमाल किया, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो, आप हमारे पास भाई को लेते हैं, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो, बड़ी बड़ी भेदों को आप पास्टर भाई के जरिए से खोलते हैं, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि करने वाला पवित्र आत्मा है, कोई इंसान नहीं इस बातों को कर सकता, जो कर सकता है तो हमारा खुदा है और पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ है, द डिफरेंट प्लेसेस व्हेन वुमेन एंड मैन आर ब्रॉट इन हियर डाइंग, हु इज इट, भाई ब्रैनम ने सवाल पूछा था, कौन है ये कर रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, इंसान इन बातों को नहीं कर सकता, Who is this that cometh in the name of the Lord? Who is it? It's the Holy Spirit. Amen. It's the Holy Spirit Amen. Of God. What's your opinion of it? What's your opinion knowing your pastor? आपका opinion क्या है? आप जानते हो अपने pastor को, यहाँ पे भाई ब्रैनम कह रहे हैं, आप जानते हो अपने pastor को, लेकिन क्या ये pastor कर रहा है? ये पवित्र आत्मा कर रहा है प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु के लिए, हम यहाँ पे कोई इंसान नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का आत्मा है, प्रभु है, वो इसीलिए तो उतर करके आए हैं, इसलिए तो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, वो आज हमारे बीच में इसलिए हैं कि हु इज इट, आज सवाल अपने हृदय से पूछे, बड़े बड़े खुदा हमारे ऊपर जो भेद खोल रहा है, बड़े बड़ी चीज़ें जो हम नहीं समझ सकते, बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज खुदा हमारे ऊपर खोल रहे हैं, सवाल पूछे, हु इज इट, ये कौन है, जैसे जब यीशु मसीह वहाँ पर उतरे लोग पूछ रहे हु इज इट, आज आप भी पूछिए, आज यीशु मसीह जब पुलपिट पर उतर करके आते हैं, जब यीशु मसीह एक इंसान का देह को लेकर के आते हैं, एक जब खुदा बाप बड़ी बड़े भेदों को इंसान के जरिए से खोलते हैं, बड़ी बड़ी मिस्ट्री खुलती चली जाती हैं, आप पूछिए हु इज इट, तब आपका चेहरा जाएगा इस तरफ, ये है जहाँ पर खड़े होते हैं, ये हैं एक देह को इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिए से बड़ी बड़ी भेद उस समय खुले, करने वाले प्रॉफिट नहीं थे, लेकिन प्रॉफिट के अंदर आत्मा था, खुदा का आत्मा था, एलिया का आत्मा भाई ब्रैनम के अंदर था, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी, क्योंकि हमेशा भाई ब्रैनम कहते थे ही इज़ हियर, भाई ब्रैनम कहते हैं मैं अलग हो जाता हूँ और वो आकर के उस बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, हमारा खुदा कल आज युगानुयुग एक सा है, उस समय वो जो करते थे वही चीज़ वो आज भी करते, मेरे भाइयों बहनों देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कैसे प्रभु अपने भेदों को हमारे ऊपर खोलते चले जाते हैं, हु इज दिस, ओ गॉड बी मर्सीफुल, गॉड बी मर्सीफुल, Who is this that doing this? कौन है भाई बहनम, फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, आगे के पैराग्राफ में आगे बढ़ गया नेक्स्ट पेज में, हाँ वहाँ पर ये फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे और आपके अंदर माइंड में कोई डाउट ना रहे, करने वाला हमारा खुदा है, करने वाला पवित्र आत्मा है, जब वो एक देह को ले लेता है वो खुदा बन जाता है, वो बात अलग है, बात है, लेकिन हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, करने वाला हमारा खुदा है, करने वाला पवित्र आत्मा है, और वो आज हमारे पास आकर के
आ गए हमारे पास, हु इज दिस दैट डूइंग दिस, कुड यू डायरेक्ट टू से इट वॉज योर पास्टर? अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन है आगे चल के, कुड यू डायरेक्ट टू से इट वॉज योर पास्टर? क्या आपके पास्टर ने ये किया? नेवर. कुड यू डायरेक्ट टू से मैन हैड एनीथिंग टू डू इन टू इट? नेवर. तो इंसान इन भेदों को खोल ही नहीं सकता. कैसी कैसी मिस्ट्रीज बोर्ड के ऊपर हमें समझाया जाता है, क्या आप ये कह सकते हो या आपका पास्टर समझा रहा है? भाई बहन हम कह रहे हैं नेवर. ये पवित्र आत्मा जो पास्टर के अंदर है, ये पवित्र आत्मा जो पास्टर के अंदर है, वो इन भेदों को समझा रहा है, वो इन भेदों को खोल कर, क्योंकि ये बातें आप जो सुनते हैं, जो बातें आप देखते हैं, इंसान के दिमाग से परे हैं. माइंड ऑफ क्राइस्ट कम्स इनटू द पास्टर. माइंड ऑफ क्राइस्ट पास्टर के अंदर आता है और आपको सारे भेदों को बताता है. वुड यू से इट वॉज योर पास्टर? नेवर. कुड यू डेयर टू से मैन हैड एनीथिंग टू डू इट इन टू इट? नेवर. इज द होली स्पिरिट. खुद जवाब देते हैं फिर से वो, इट्स द होली स्पिरिट, द स्पिरिट दैट वॉज ऑन आवर लॉर्ड जीसस. तो आत्मा मसीह यीशु का था, एंड ही इज कमिंग टू यूनाइट हिमसेल्फ विद हिज चर्च. ही इज सो क्लोज, वो इतने नजदीक है, दैट ही इज स्प्रेडिंग फोर्थ हिज ग्रेट होली लाइट टू रिडीम एंड टू ब्रिंग इनटू फेलोशिप अ चर्च ऑफ द लिविंग गॉड फॉर द रैप्चर दैट्स नियर एट हैंड. आमेन. ये इसलिए कर रहा है खुदा, इसलिए पवित्र आत्मा को पास्टर के अंदर भेज रहा है, इसलिए इन बातों को खोल खोल के हमें समझा रहा है कि वो एक कलीसिया को तैयार कर रहा है. काय के लिए? वो रैप्चर के लिए, कि जो बहुत जल्दी आने वाला है. हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं. हु इज इट? हु इज इट? आई कांट आंसर योर क्वेश्चन. फिर से वही बात है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ. आई कांट आंसर फॉर यू, बट आई कैन आंसर फॉर माई सेल्फ. भाई बहन हम कह रहे हैं मैं अपने लिए आंसर कर सकता हूँ. एंड ओवर दिस सीक्रेट सेक्रेट डेस्क, जिस पुलपिट के ऊपर मैं खड़ा हूँ टुनाइट, इन द कार ऑफ द इन द केयर ऑफ दिस द कंपनी एंड द परचेज ऑफ द ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, आई से दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, नॉट बिकॉज दैट आई एम वन ऑफ यू, नॉट बिकॉज दैट आई एम जस्ट समबडी डिफरेंट, बट वन ऑफ द रिडीम दैट वॉश्ड बाय द ब्लड. मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ, मैं भी वही इंसान हूँ जो खुदा के लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हुआ. बट ही वॉज ए प्रॉफिट, हम सब जानते हैं प्रॉफिट है, लेकिन अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने आप को हलीम कर रहे हैं. प्रॉफिट अपने आप से नहीं कहेगा कभी मैंने ये करा मैंने वो करा, प्रॉफिट हमेशा लुक अनटू हिम बोलेगा, लुक अनटू हिम बोलेंगे. प्रॉफिट हमेशा लुक अनटू हिम बोलेंगे. आई बिलीव दैट सेम लाइट दैट हैंग्स इन दिस चर्च टू नाइट, आज वही लाइट, आई बिलीव दैट लाइट जो उस समय आई थी, आज वो लाइट. भाई वो मैसेज प्रचार हुआ 1959 में, आज भी वही लाइट यहाँ पे है. वो लाइट जो वहाँ पर आई, भाई बहन हम कह रहे हैं दैट हैंग्स इन दिस चर्च टुनाइट, सेम वन शोज बाय इट्स नेचर दैट इज जीसस क्राइस्ट इन द फॉर्म ऑफ द होली गॉड. ये लाइट खुदा ने हमारे ऊपर भेजी, तो प्रॉफिट को वो लाइट आई. और आज हमारे युग में 2011 में जो लाइट आई वो भी यही बता रही है, दिस इज नॉट योर पास्टर, दिस इज नॉट अ मैन, दिस इज नॉट ह्यूमन बीइंग, बट दैट इज मी, दैट इज द होली गोस्ट, दैट इज द होली गोस्ट डूइंग दिस थिंग. ये होली गोस्ट है. भाई बहन हम कह रहे हैं, आप कहे या ना कहे, भाई बहन हम कह रहे हैं ये मेरा कन्फेशन है, ये लाइट जो है, ये जो लाइट आई है, ये होली गोस्ट है. और ये कह रही है कि जो यहाँ पर चीजें होती है, जो यहाँ पर भेद खुलते हैं, जो यहाँ पर चंगाइयाँ होती है, ये कोई इंसान नहीं करता, ये आपका पास्टर नहीं करता, लेकिन ये पवित्र आत्मा है, ये खुदा खोज है, वो आकर के करता है. प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं. से जीसस क्राइस्ट इन द फॉर्म ऑफ द होली गोस्ट, यीशु मसीह है पवित्र आत्मा के रूप में एक देह को ले. मेरा ख्याल है आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत कुछ समझा होगा. खुदा यहाँ पर आते हैं मेरे भाइयों बहनों, ये लाइट चीज़ ना समझें. जब भेद खुले जाएँ वो इंसान उस समय इंसान नहीं रह जाता, उस समय आपके पास्टर नहीं रह जाते, उस समय बिल्कुल बदल जाते हैं. वो उसी समय के लिए होता है जब मिस्ट्री खुल रही है, भेद खुल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर के भेदों को खोलता है, बड़े बड़े भेदों को. आप खुद वंडर करोगे ये कैसे, अरे कोई इंसान इसे समझा ही नहीं सकता, लेकिन करने वाली वो लाइट है, वही लाइट जो भाई ब्रैनम के साथ थी, वही लाइट जो हमारा खुदा है,
वही लाइफ जो पौलुस को दिखाई दी, वही लाइफ जो दमिश्क के रास्ते के ऊपर पौलुस जा रहा था, वो लाइट उसके चारों ओर चमकी और वो गिर पड़ा और उसने कहा हे, और उसको एक आवाज़ आई, पौलुस पौलुस तू शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा हे प्रभु तू कौन है। उस समय यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पौलुस दमिश्क के रास्ते के ऊपर जा रहे हैं वो कह रहे हैं हे प्रभु तू कौन है, आवाज़ आती है मैं यीशु नासरी हूँ। आज आप पूछें इनसे प्रभु जी आप कौन है, आवाज़ आएगी मैं यीशु नासरी हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खुदा फकीर फरीसियों से बातचीत नहीं करता, अपने भेदों को फकीर फरीसियों के ऊपर नहीं खोलता, लेकिन उसके जो चुने हुए हैं उनके ऊपर वो भेदों को खोलता है, मिस्ट्रीज को खोलता है और क्लियर उसको खुदा ने यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु मसीह हूँ। आज ये यीशु मसीह है, आज ये प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्राइस्ट इन द फॉर्म ऑफ होली गोस्ट, प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। एनी वन हु नोज द स्क्रिप्चर नोज दैट जीसस सेड आई कम फ्रॉम गॉड एंड गो टू गॉड। यीशु मसीह ने कहा था मैं खुदा से आया हूँ, खुदा के पास जाता हूँ। बिफोर ही वॉज मेड फ्लैश वैन मोजेस मूसा ने के सामने आग का खंबा था, बादल का खंबा था, मूसा ने कहा हे प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। मूसा ने क्या देखा, एक आदमी की पीठ देखी। आज हम कहें प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, प्रभु हमें पीठ दिखा रहे अपने, हाँ ही डन द सेम थिंग, ही डन द वेरी सेम थिंग ही इज डूइंग टूडे, ही वॉज लाइक अ मैन। मूसा ने कहा वैन ही वॉज हियर ऑन अर्थ, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, ही वॉज अ मैन, वो आदमी थे, ही डन द वेरी सेम थिंग दैट ही इज डूइंग टूडे, वो उन्होंने वही किया उस समय जो वो आज हमारे बीच में कर रहे हैं, डूइंग टूडे थ्रू मैन दैट ही हैज रिडीम्ड, जिन आदमियों को छुड़ाया जो खुदा उस समय करते थे वही आज उन आदमियों के उन आदमी के जरिए से कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने छुड़ाया है। देयरफॉर ही कम्स एंड हैव हिज पिक्चर टेकन, वो आते हैं अपनी पिक्चर ले लेते हैं। अब आपको पता चल गया पिक्चर खुदा ने ऐसे ही नहीं ली, उसने बता रहा है मैंने इनको चुना है, मैंने इनको रिडीम किया है और मैंने इन्हें चुना है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए। और भाई बहन कह रहे हैं देयर ही कम्स एंड हैव हिज पिक्चर टेकन, और वो आते हैं और अपनी तस्वीर खिंचवा लेते हैं। अरे वॉट इज इट आफ्टर डेड बट रिजरेक्शन, वो जीवित खुदा आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज वो मरे हुए नहीं है, यूहन्ना कहते देख मैं मर गया था लेकिन आज मैं जीवित हूँ, मृत्यु और नरक की कुंजियाँ मेरे पास है। वही लाइट, वही लाइट, वही पिलर ऑफ फायर जो मूसा को लीड करता था, जो पौलुस को दिखाई दिया, आज वही लाइट वही पिलर ऑफ फायर आज हमें भी लीड कर रहा है। और किसके जरिए से कर रहा है, एक मनुष्य के जरिए से, क्योंकि वो मनुष्य के अंदर आ जाता है। भाई बहन सफाई के साथ कह रहे हैं देयर ही कम्स एंड हैव हिज पिक्चर टेकन, जिस मनुष्य को वो सिलेक्ट करता है कि मैं इसके अंदर आऊँगा उनके साथ वो पिक्चर लेता है। यदि भाई आशीष की पिक्चर क्लाउड में आ गई तो उसमें कौन सा वो हो गया, खुदा ने चुना है भैया। यहाँ पे भाई बहनम कह रहे हैं वेन ही कम्स एंड हैव हिज पिक्चर टेकन, वो उनकी पिक्चर ले लेता है अपने में, क्योंकि वो बताते हैं खुदा ने चुना है, पवित्र आत्मा ने चुना है। जब वो आते हैं पिक्चर टेकन, वॉट इज इट, अब ये क्या है आफ्टर डेथ एंड बर्यल रिजरेक्शन, ये और कुछ नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कल था आज है और युगानुग रहेगा। जीसस क्राइस्ट सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर, उनके तरीके चेंज नहीं होते। 2000 साल पहले ले लो, 6000 साल पहले ले लो, तरीके चेंज नहीं होते, वो कल आज युगानुग एक से है। हे मनुष्य संतान यदि मैं बदल जाता तुम कहीं के नहीं रहते, हम तो कहीं के नहीं रहते। हाँ हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वन रेवलेशन ऑन दैट सीक्रेट सैंड, वन टाइम अपॉन दैट प्लेस, मैन कैन नेवर बी द सेम। अ मैन बिफोर ही शुड कॉल हिमसेल्फ अ क्रिश्चियन, कह रहे हैं बिफोर ही कैन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ ही शुड फर्स्ट हैव दैट बैक साइड ऑफ द डेजर्ट एक्सपीरियंस वेयर ही मेट गॉड फेस टू
फेस, हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. बट व्हेन अ मैन हैज एवर कम इन कॉन्टैक्ट विद क्राइस्ट एंड सीन हिम एज पॉल डिड और एक्सपीरियंस हिम, देयर इज नॉट इनफ थियोलॉजिकल इन द वर्ल्ड एवर बी एबल टू एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम द मैन. नो, कोई एक बार जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, एक बार जब आपने क्लाउड को देख लिया, एक बार आपने इस लाइट को देख ली, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी कहे ये जेट का फ्यूल है, आप बिलीव नहीं करोगे. एक बार आपके मन में पक्का हो गया, एक बार आपने मसीह से मुलाकात कर ली, कोई थियोलॉजियन, कोई एंड टाइम बिलीवर जो कहे इनकी आँख कहाँ है, इनकी नाक कहाँ है, ये तो आप ऐसी मनगढ़ंत बातें सोचने लगते हो, आपका विश्वास दिख ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार आपकी मुलाकात इनसे हो चुकी है. जिसकी मुलाकात इनसे हो चुकी है वो कभी नहीं डिगेगा. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता है. आप भाई बहन हम कह रहे हैं बट टू नो हिम इज लाइफ, टू नो हिम एज योर पर्सनल सेवियर, एज द वन हु हैज फिल्ड यू विथ हिज प्रेजेंस, यू वर देयर व्हेन इट हैपेंड, आप थे जब वहाँ पर जब ऐसा हुआ, आपकी पवित्र आत्मा जब आप उसकी प्रेजेंस में शामिल होते हैं, जब वो अपनी प्रेजेंस से आपको भरता है, अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरता है, देयर नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, कोई आपसे उनकी प्रेजेंस को आपसे छीन नहीं सकता, आप उनकी प्रेजेंस में हमेशा रहेंगे. एक बार पवित्र आत्मा का दान आपको मिल गया, कोई आपसे छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं छीन सकता. प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. व्हेन दैट नो वन कैन एक्सप्लेन इट अवे फॉर यू, कोई आपको समझा नहीं सकता ये कैसा एक्सपीरियंस है. व्हेन दैट एक्सपीरियंस हैपेंस टू यू, यू नो हु इज ही. जब एक्सपीरियंस आपके सामने होता है तब आप जानते हो ये कौन है. उस समय लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, लेकिन आज हम जानते हैं ये कौन है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तब हम पहचान जाते हैं ये कौन है. ही इज जीसस द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर. ये आज यीशु मसीह है जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं. जीसस द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. यहाँ पे यहीं तक हम रखेंगे. जब ये एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिल जाता है, तब आप जान जाते हैं ये कौन है. तब आपके अंदर रियलाइजेशन होता है, इट इज जीसस द सेम यस्टरडे एंड टुडे एंड फॉर एवर. तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. मैं पास्टर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा. अपने सरों को झुकाएंगे. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, शिरोमणि, अति महान, स्तुति के योग्य हमारे यहोवा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आपने आज एक देह इस्तेमाल करी ब्रदर टाइटस के रूप में, इनके द्वारा खुदा नबी का वो संदेश, हु इज दिस, ये कौन है, एक सवाल. जब आप आए उस शहर में पूरा नगर एक हलचल में पड़ गया, कौन है ये. खुदा ना आपका नाम मुबारक हो कि आज भी कुछ हुआ, एक हलचल मची. ये पिक्चर क्या है, ये क्या है, ये कौन है. आपको धन्यवाद हो, कुछ लोगों को आप दिखाई दे गए, कुछ लोग आपको नहीं देख पाए. उस समय भी फकीर फरीसी कहते थे चुप करो इनका मुंह, और तब आपने कहा अगर इनका मुंह बंद हुआ तो पत्थर चिल्ला उठेंगे. ओ खुदावन आपका धन्यवाद हो, टर्की में पत्थर ही चिल्ला रहे हैं, और इस लाओदीसिया का अंत पत्थर के चिल्लानों से ही होगा. जिन्होंने पहचाना नहीं
कि आप जो इस युग में आए कहां हैं। खुदावन मैं पर्सनल गवाह हूं, थर्सडे की मीटिंग के बाद जब मैं घर लौटा, एक गवाहियों की बौछार आपने सुनने का मौका दिया। हर थोड़ी देर पे एक गवाही आ रही थी। मैं पूछता हूं ये कौन है? पिछले हफ्ते खबर मिली एक भाई खोया, दुआ करी। चंद मिनट के बाद फोन आता है, भाई घर आ गया। ये कौन है? एक बहन पूरे दिन मरण स्थिति में है ओडिशा में, और अपनी गवाही भेजती है कि मैं मर रही थी, इतना तेज मेरे सिर में दर्द था। और जब मीटिंग हुई, मीटिंग सुनी, उसमें जुड़ी, उस दुआ में शामिल हुई, और चंद मिनटों के बाद वो दर्द गायब हो गया। Who do you say this is? कौन है जो खड़ा होता है और ऐसा प्रचार करता है कि कई लोग अपने फोन से पीछा छुड़ाते हैं और अपनी आदतों पे काबू पाते हैं? Who do you say this is? फिर लॉर्ड ये रोशनी जो हमारे बीच में आई, Who do you say this is? आपका नाम मुबारक हो। जैसा आखिरी कमेंट पढ़ा गया, कल आज और युगान युग सर्वदा एक वही जिंदा प्रभु यीशु मसीह। एंड मॉर्फी हो जाते हैं, कभी लंबे बन जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, कभी कोट पहनते हैं, कभी जैकेट पहनते हैं, आवाजें बदलते हैं, लेकिन हैं आप वही एक इकलौते खुदा जो अपने बच्चों से बात करने जो हाफ पैंट में हैं आ जाते हैं, जिन्हें आपकी हमेशा जरूरत है। ये सच है, मनुष्य कुछ भी नहीं, सब करने वाले आप हैं। ये कौन है जो इस पुस्तक को हमारे लिए खोलता है? ये कौन है जो दिलों की बातें बताता है? कि मीटिंग के बाद भाई कहता है, बहन कहती है, यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं सोच रही थी, और आपने बोल दिया। तो बोलने वाला फिर कौन है? ये कौन है जो इतने बड़े बड़े काम हमारे बीच में करते जा रहे हैं? ये कौन है जो एक तरफ आत्मा से भरते हैं कि कुछ होने वाला है, और अगले ही दिन कुछ ही घंटों के बाद खबर मिलती है टर्की में भूचाल आ गया, और अब तो काउंट 20,000 से ऊपर है। ये तो अखबार में छपा है, मरे कितने उसकी कोई गिनती है नहीं। कौन है ये कौन है जो पहाड़ों के विषय में बोलता है और आज भी फ्रेश दरारें घरों में वहां होती जा रही हैं, जमीन धसती जा रही है? ये कौन है? सच है लॉर्ड, हमें पहचानने का मौका दें, आप जो बलि स्वर दूत हैं हमारे बीच में हैं। लेकिन खुदावन, जब मैं सीन को एक दूसरे रूप में देखता हूं, तो वहां पाता हूं कि वहां कुछ थे जिन पे ये रेवलेशन खुल चुका था कि ये कौन है। उन्होंने राह में वस्त्र बिछाए और वो दंडवत किए और आपका धन्यवाद दिए और जोर के शब्द से होसन्ना करी, ये पहचानते हुए कि ये कौन है जो सफेद गधे पे सवार यरूशलेम में प्रवेश करता है। आज हम भी अपना हाथ उठाते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में आए। हाँ, वही पवित्र आत्मा, वही यीशु मसीह, कल आज युगान युग एक से। आपने आज एक नबी की देह इस्तेमाल करी कि इस नए यरूशलेम में प्रवेश करें।
और हमारी देहों को भी इस्तेमाल करते हैं कि वचन के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करें। मेरी दुआ है खुदावन कि हमें इन बातों को समझने का और इन्हें पहचानने का फजल दें। एक और कारण कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये कौन है, उनके लिए आपने एक वचन बोला, क्या तुमने नहीं पढ़ा? ये सवाल कि ये कौन है वो करते हैं जिनके पास भविष्यवाणी का वचन नहीं, या अगर आया तो वो क्लियोपास और उसके मित्र के समान मंदमति पाए गए कि उन घटनाओं के विषय में जो हो रही हैं वो अवगत नहीं हो पाए, अपने आप को टर्म्स में नहीं ला पाए खुदा की प्रेजेंट डीलिंग के साथ। लेकिन आज आपका धन्यवाद हो कि आज आपने हमें भविष्यद्वक्ताओं का वचन दिया। आज हमारे पास भाई ब्रैनम जो नबी हुए इस युग के संदेश हैं जो हमें पोस्ट करते हैं वचन के अनुसार कि आज हम कहां पर हैं। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ हो। परसों की खबर, कल की खबर, मेहरौली में बुलडोजर चल रहा है। ये वो जगह थी जहां एक समय मीटिंग हुआ करती थी। आप जानते हैं सब खुदावन, वहां से हम उठ गए। ऑफ कोर्स हम किसी के विषय में नहीं बोलते प्रभु, हम खाली एक चिन्ह देखते हैं। हमें एक चिन्ह दिखाई देता है और हमें दिखाई दे रहा है लॉर्ड किस रीति से आप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका नाम मुबारक हो। हम जानते हैं ये जगह तुगलकाबाद भी हमारा फाइनल स्थान नहीं है, हमारी मंजिल तो एक नगर है जहां आप हमें ले चल रहे हैं। दुआ है लेकिन अपने भाई बहनों के लिए जो वहां रहते हैं, रहम करें और उनके मकानों को बचाएं और उनके लिए एक मार्ग निकालें। और भी हमारे जो कलीसिया में बीमार तंगहाल हैं, रहम करें। जो अपने आप को आत्मा में कमजोर पाते हैं आज सुबह नई कुव्वत से भरें, अपने भवन में वापस फेर के लाएं। विनती और प्रार्थना है खुदावन, जो और पवित्र आत्मा चाहते हैं उन्हें और पवित्र आत्मा से भरें। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ हो। ब्रदर टाइटस को मैं फिर दुआ मांगता हूं, बड़ी बरकत और आशीष दें, उनके परिवार को भी आप अपने संग लिए चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन और आमीन। आई लव हिम, love him because he first loved me and purchased my salvation on यीशु मसीह के नाम में सभा यहीं समाप्त होती है, आमीन। शाम की सभा 4 बजे, मंगलवार शाम 7:30 और बृहस्पतिवार शाम 7 बजे। ब्रदर विमल लाल उनके ग्रुप की बारी है, आप लोग आए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।